एट का नाम है हम लोग का जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, जाति व्यवस्था नाम ही से स्पष्ट है कि जाति व्यवस्था को जानना है। जाति व्यवस्था जो शुरू किए थे वो भी नहीं सोचे होंगे कि इतना भयानक रूप ले लगा, क्योंकि कुछ कोई भी प्रथा शुरू होता है तो उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे दहेज, दहेज के लिए भी टिप्पणी मैंने वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग दहेज के प्रति जागरूक हो जाए। दहेज सब जो कि जहेज सबसे लिया गया था, किससे? जहेज सबसे लिया गया था, जिसका अर्थ होता है दाज। क्या होता है? दाज, जिसको भेंट या उपहार कहते हैं। ठीक है, भेंट या उपहार कहते हैं। दहेज में थोड़ा सा दुल्हन बोलना चाह रहा हूँ ठीक है, ताकि आप लोग भी इस जाति व्यवस्था है उसके पहले जान लें। दहेज तो शायरी है, इसमें सिंधु ना मिल पाएगा इस संसार में, सिंधु ना मिल पाएगा इस संसार में, बिक रहा है आदमी खुले बाजार में, मानो हृदय का उठाए हिचकियों के साज पर, लानत है इस दहेज पर और सारे संसार पर। दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिए जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ने के पहले जो स्त्रियां है, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उस पर लोग गाड़ी के दो पहिए हैं लेकिन कमजोर समझते हैं, तो एक भी कमजोर हो जाएगा तो गाड़ी चलने वाली है, गाड़ी चलने वाली डगमगा गिर जाएगी। तो स्त्री को भी समान देना चाहिए और समान मानना चाहिए। देखिए उन पर एक लाइन और, यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। जो धर्म के मानने वाले हैं उन पर एक बात, यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। आप धर्म से ही चलेंगे, जाति व्यवस्था यही से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि कितनी सीता, देखिए फिर जाति दहेज वाला, कितनी सीता गंगा माँ की गोद में सो जाती है, कितनी गीता रेल पटरियों पर लोहू बो जाती है, कितनी सीता गंगा माँ की गोद में सो जाती है, कितनी गीता रेल पटरियों पर लोहू बो जाती है, कौन गिनेगा इनकी संख्या, कौन गिनेगा इनकी संख्या, रुझ रही अखबारों से, रुझ रही अखबारों से। ठीक है, अब चलते हैं देवता, जो कि आपने जाना कि किताब से मिलता है, तो जानिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो अरस्तु द्वारा। किसके द्वारा? तो अरस्तु द्वारा दिया गया था। और देखिए, जो प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्थाएं थी वह पेशों या काम के आधार पर थी, यानी आप पढ़ाने वाले काम कर रहे हैं तो शिक्षक, आप धोने वाले काम कर रहे हैं तो धोबी, आप जूता सीने वाले काम कर रहे हैं तो चमार, आप लकड़ी वाला काम कर रहे हैं तो बढ़ई, ऐसा ऐसा वर्ण नाम दिया गया था। तो ये किसने दिया था? तो उच्च श्रेणी के जातियों ने दिए थे। अभी चर्चा करते हैं। तो मनुष्य, देखिए जब पीके फिल्म देखे होंगे तो अच्छे अच्छे बताइए, एक एक व्यक्ति जन्म लेता है किसी माँ के गोद से, अगर वह मुसलमान में चले गए तो मुसलमान धर्म का हो गया, अगर मुसलमान धर्म ने पोष लिया तो, अगर बौद्ध धर्म चले तो बौद्ध धर्म का धर्म। अरे जाति व्यवस्था, आशा करते हैं भाई बहनों कि आप लोग ना मानिएगा, आप लोग सभी जातियों को समान मानिएगा, क्योंकि अरस्तु ने बोले हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको क्या करना है? सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है, अपना नाम को इतिहास में लिखवा डालना है। ठीक है, अपने नाम को इतिहास में लिखवा डालना है। इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। तो प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था थी जिसमें पेशे या काम के आधार पर वर्ण थे, जिससे जो पूजा पाठ करते थे ब्राह्मण, जो लड़ाई करते थे क्षत्रिय, जो व्यापारी करते थे वैश्य, उसके वजह से समाज के सबसे छोटे वर्ग थे क्षुद्र। जाना, अब जाने हैं कि माना जाता है, यानी धर्म शिष्ट के अनुसार, जैसे वेद जाने था चार होता है, सबसे पहला और प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, उसी वेद में गायत्री मंत्र जो है और देवता सोम का भी उल्लेख है और अग्नि देवता का भी उल्लेख है, इंद्र देवता का भी उल्लेख है, ऋचाएं भी है, लेकिन वेद की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन दसवें मंडल की चर्चा करेंगे, क्योंकि दसवें मंडल में ही जो बात आप बोल रहे हैं ना वही है जो चार वर्ण व्यवस्था। तो दसवें मंडल में है कि देखिए कि जो क्षुद्र माना जाता है कि जो ब्राह्मण का जन्म हुआ है वह मुंह से हुआ है, किससे हुआ है? मुंह से हुआ है, और क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ है। क्षत्रिय का जन्म बड़ा बताइए कैसे हो सकता है, जब एक्स वाई और पुरुष के लिंग गुण सूत्र हम लोग पढ़े ना, जब इनिशिएशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी तो जन्म कैसे हो सकता था? तो उस धर्म में बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है, अब अथर्ववेद में बताया गया जादू टोना, और यजुर्वेद में बताया गया बलि चढ़ाते समय मंत्र, ऐसा ऐसा तो धर्म है। इसलिए तो अंग्रेज बोल रहे थे जो मेकाले वाला कि भारत अंधविश्वासों से भरा हुआ है, वो धर्म को, भारत के धर्म को पूरा बुराई कर रहे थे कि अंधविश्वासों से भरा हुआ है। जैसे सती प्रथा, अभी चर्चा करेंगे सती प्रथा, जो पुरुष मर जाता था उसके उस ऊपर लड़की को धोकर जला दो, अरे कैसी प्रथा है,
ये तो बाल विवाह करा रहे हो और 6 साल के बुढ़वा से 16 साल के लड़की और उसके बाद से बेचारा खुद मर जाएगा तो तुम उस लड़की को क्यों जलाओगे। तो राजा राम ने विरोध किए थे। दोस्तों माफ कीजिएगा अगर गलती वर्ड बुला देते हो, क्योंकि यहाँ से अब स्टार्ट है कहानी इतिहास पढ़ने का, ठीक है। तो माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से और क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से। क्षत्रिय का जन्म किससे? भुजाओं से। और वैश्य जिसे बोलते हैं व्यापारी का जन्म जांग से। कैसे हुआ था? जांग से। और शूद्र इन तीनों वर्गों का काम करने के लिए इनका जो जन्म बताया जा रहा है तलवा से। कहाँ से बताया जा रहा है? पैर के तलवा से। और ये मजदूर वर्ग हैं जिनका जन्म पैर के तलवा से हुआ है। सॉरी स्टूडेंट, देखिए प्राचीन काल में जाति व्यवस्था में ब्राह्मण ऊपरी जाति पे थे और ब्राह्मण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण समाज का वह वर्ग था जिसने अपनी शिक्षा ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था और दूसरी जातियों पर अपना शासन कायम किए हुए थे। और प्राचीन काल में जब देखिए जब ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ाई कर रहे थे कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हम आपसे श्रेष्ठ हैं, तो ये दोनों क्या किए कि देखिए ब्राह्मण ने कहा कि चलिए मैं आपका गुरु हो जाता हूँ लेकिन शासन का काम आप लोगों का ही रहेगा, यानी क्षत्रिय लोगों का ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से था, ठीक है। अब अत्यंज, अत्यंज के बारे में जो आप लोग का टॉपिक थे उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अत्यंज अत्यंज है और ये कथन मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, ये आप लोग का बुक है। अत्यंज समाज का वह वर्ग, समाज का वह वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा जाता है। समाज का वह वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा जाता है। जैसे आपने जाना सभ्य समाज यानी जो एक अच्छे आदर्श समाज है उससे बाहर रखा जाता था, यानी क्या कर दिया जाता था कि अगर शूद्र है तो अरे दूर रहो, अगर कुत्ता खाकर थाली के खाना को खाकर चला गया तो कोई बात नहीं, मान सका। अगर अछूत द्वारा छुआ गया ना तो अछूत नाम ही से स्पष्ट है, वो थाली को नहीं छुआ जाता था प्राचीन काल में, बुझिए। अगर जिस रास्ते से चला जाता था उस रास्ते के पीछे झाड़ू बांध कर चला जाता था, बुझे कैसी स्थिति थी भारतीय में जाति व्यवस्था। ये सब अंग्रेजों ने देखे और दूर किए हैं धीरे धीरे। उसके बाद से क्या होता था, झाड़ू बांध कर चला जाता था। अगर थूकना होता था तो यहाँ पे घेंट में एक लोटका जिसे मटका बोलते हैं टांग का चला जाता था, जो कि आप लोग देख सकते हैं अपने पाठ के अनुसार पढ़ कर समझ सकते हैं और बता रहा हूँ हकीकत ही है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा था। तो फिर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कैसे है, कैसे है मनुष्य सामाजिक प्राणी? क्रमशः तो ऐसी ऐसी प्रथाएं भारत में चल रही थी। तो इस पर अंग्रेजों ने देखा और उनको मजाक भी लग रहा था कि अरे भारत इतना अंधविश्वास से घिरा हुआ है। तो देखिए अब इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए महापुरुषों का जन्म होने लगा। अब उन महापुरुषों को भी चर्चा करेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी ने भी हमें सहयोग दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हरिजन शब्द बोला था छुद के लिए, हरिजन यानी हरि के जनने वाला, उन्होंने वर्ड बोला था 1932 में, तो अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए महात्मा, अब चलेंगे महात्मा ज्योतिबाई फूले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जाति व्यवस्था को मनुष्य की समानता के खिलाफ मानते थे, यानी मनुष्य में मनुष्य हैं तो समानता होनी चाहिए। स्कूल में जा रहे थे प्राचीन काल में शूद्र के बच्चे तो उन्हें दूर बैठा जाता था, एक साथ नहीं बैठा जाता था। आज स्कूल में ऐसा नहीं होता है, सभी जो ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं सभी एक साथ है, भाई बहन के रिश्ता हो चुका है आज के समाज में। हमें बहुत अच्छा लगता है, सभी को आप अच्छा लगता होंगे, कितना अच्छा हो गया है समाज हम लोगों का। तो ये जाति व्यवस्था उसमें खराब थी, अब अच्छा हो चुका है। तो ये जाति व्यवस्था को मनुष्य की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने मराठी भाषा का प्रयोग किया, यानी ज्योतिबाई फूले ने किस भाषा का प्रयोग किया था तो मराठी भाषा का प्रयोग किया था, और उन्होंने आर्य भाषा का भी प्रयोग किया था, यानी मराठी और आर्य। आर्य वैदिक जो परंपरा थी उनका ये विरोध करते थे, जो ये ब्राह्मण वाला थे उनका ये विरोध करते थे, और उन्होंने दीनबंधु नामक पत्रिका निकाली थी। वर्ण तो किस भाषा में पूछा जाए कि दीनबंधु नामक पत्रिका किसने निकाली थी तो ज्योतिबाई फूले ने। वो दीनबंधु पत्र नीलदर्पण नहीं, यहाँ पे दीनबंधु है, वहाँ नीलदर्पण के लेखक थे दीनबंधु, यहाँ पे दीनबंधु खुद पत्रिका है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। वहाँ पे नीलदर्पण था, उसमें नाटक खेलने वाले थे वो गोलुक, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे उन्होंने मराठी भाषा में लिखा है, और गुलामी क्या गुलामी, जो कि गुलामी सही में करते थे, यानी क्षत्रिय का जो शूद्र थे काम करते थे हमेशा, और कम वेतन दी जाती थी, और वही सब बहुत कच्चे और मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा वो साफ सुथरा नहीं रहते थे सब, तो उनको उजागर किया गया कि नहीं आप साफ सुथरा रहिए, आपके साथ भी समाज अच्छे व्यवहार करेंगे। और मन से तो साफ थे, बेचारे कुछ मजबूरी थी
कि उनके पास थोड़ा आर्थिक स्थिति साफा दबे हुए थे, यानी अत्यंत पिछड़े थे, तो थोड़ा सा दिक्कत था। तो फिर भी उसे नहीं व्यवहार करना चाहिए था, तो वही गुलामी करते थे। तो उन्होंने गुलामी नामक पुस्तक के रचयिता, पूछा जाए कि गुलामी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ज्योतिबाई फुले, ज्योतिराव फुले। कौन है? ज्योतिराव फुले। और ज्योतिराव फुले ने शूद्रों के दस्ता की तुलना अमेरिका के किस लोग से किए हैं? निग्रो। अमेरिका में किस लोग से किए हैं? निग्रो। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेरिका में किस लोगों से किए हैं? वो लोग निग्रो लोगों से किए हैं। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन है, जो कि कोलम्बस गए थे और कहते थे क्या तुम इंडियन हो, तो वहां से रेड इंडियन पड़ा था। और निग्रो, निग्रो यानी पूछा जाए कि शूद्र की तुलना ज्योतिबाई फुले ने, शूद्र की तुलना ज्योतिबाई फुले ने किनसे किया था? तो निग्रो से किए थे। ठीक है, यहाँ से आपने जीके यहाँ से पूछता है। ठीक है, और देखिए पूछा जाए फिर कि काश्तकार की चाबुक, क्या? काश्तकार की चाबुक, फिर से सुनिए, काश्तकार की चाबुक की रचना किसने किया था? तो ज्योतिराव फुले ने। किसने किया था? ज्योतिराव फुले ने। इन्होंने सत्य शोधक समाज, किस समाज? सत्य शोधक समाज की स्थापना, पूछे हम कि किनके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबाई फुले द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले द्वारा। इनकी जो पत्नी थी सावित्री, कौन थी? सावित्री। और थोड़ा सावित्री के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो सावित्री थी वो कम पीढ़ी लिखी थी, लेकिन लेकिन देखिए जो शूद्र थे, शूद्र के जो लड़के थे वो पढ़ने के लिए कितना कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो शूद्र के लड़के कितनी सामना कर रही होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए उन्होंने, यानी ज्योतिराव फुले ने अपने पत्नी सावित्री बाई फुले को कुछ पढ़ाया, घर नहीं पढ़ाया, और उसके बाद से घर से कुछ दूर एक दलान में जो सावित्री बाई फुले को पढ़ाना जाती थी शूद्र के महिलाओं को पढ़ाने के लिए। तो क्या होता था कि ब्राह्मण और उच्च श्रेणी की जाति, ठीक है आप इन्हीं को बुक में दिया है, क्या करते थे? उन पर कीचड़ उछाते थे। क्या करते थे? कीचड़, नाली और पानी को उछाते थे। वह बेचारी सहनशीलता थी और आती थी अपने घर, अपने हस्बैंड, कोई भी अपने हस्बैंड से बताता है क्योंकि समाज के दो पहिए हैं, तो वो बताती थी। उनके हस्बैंड जो ज्योतिराव फुले थे वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि तुम इन सभी के बातों को ध्यान मन दो, क्योंकि कमल कीचड़ में भी खिलता है। कमल किसमें खिलता है? किचन में भी खिलता है। तीन सब बातों को ध्यान मन दो, अपना तुम पढ़ाते रहो। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और अंततः वो भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवा चुकी। अब हम लोग चलते हैं वीर सलिंगम, किसके नाम पर? वीर सलिंगम। देखिए वीर सलिंगम पर जान लेते हैं। इनका पूरा नाम कुंडकरी वीर सलिंगम, क्या नाम था इनका पूरा नाम? कुंडकरी वीर सलिंगम। इन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक, आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक पूछा जाए तो बताइएगा वीर सलिंगम, यानी यह दक्षिण भारत के थे। ठीक है, और उन्होंने तेलुगु भाषा में अनेक लेख लिखे थे। किस भाषा में? यह किस भाषा प्रयोग किए थे? तेलुगु भाषा के। और जो ज्योतिराव फुले थे वह मराठी भाषा के। अब चलते हैं, बात करते हैं नारायण गुरु। किनका? नारायण गुरु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो नारायण गुरु, इनका जन्म केरल में एझवा निम्न जाति में हुआ था। यानी नारायण गुरु का जन्म किस जाति में हुआ था? एझवा निम्न जाति में हुआ था। नारायण गुरु का जन्म एझवा निम्न जाति में हुआ था। इनका बचपन का नाम नानू आसन था। क्या था? नानू आसन, नानू आसन। इनका बचपन का नाम नानू आसन था। इनका बचपन का नाम नानू आसन था। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म जो था परिपालन योगम की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा श्री, इनका नाम था नारायण गुरु। यह किस, पूछा जाए कि इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल। किस जाति में? तो एझवा। किस जाति में? तो एझवा, ये बताना जरूरी होता है। एझवा निम्न वर्ग की जाति है। क्या है? निम्न
निम्न वर्ग जाति है इनमें इनका जन्म हुआ था और बताइएगा इनके द्वारा नारायण धर्म परिपालन योजन की शुरुआत हुई थी। वह शुरुआत 1902 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। और गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में इन्होंने प्रारंभ किया था, यानी बराबरी के हक के लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए थे। अब चलते हैं एक अन्य पुरुष को जान लेते हैं, जो कि जाति व्यवस्था को, जो कुप्रथा है इसको हटाने के लिए, हटा जाति प्रथा, यानी ये कौन थे महापुरुष? तो ई वी रामस्वामी नायकर। कौन थे? ई वी रामस्वामी नायकर, जिनका दूसरा का नाम है पेरियर। क्या है? पेरियर। जिनका दूसरा का नाम है पेरियर। अब देखिए पेरियर ही बार बार यूज करेंगे, ईवी रामस्वामी नायकर नहीं यूज करेंगे, अब पेरियर यूज करेंगे, ठीक है? तो दो पेरियर जो थे स्वयं एक सन्यासी थे, यानी पेरियर क्या थे? स्वयं एक सन्यासी से, जो हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आचरक थे। जो पुराण है, जो 18 को पुराण है ना, उसमें भी बहुत सारे अंधविश्वास से भरा हुआ है, चाहे स्त्रियों के लिए भी बोल सकते हैं कि अभद्र शब्द का भी एक दो को प्रयोग किया गया। आप लुसेंट का जीके पढ़े या कहीं पढ़ेगा देखेगा वर्ड कि स्त्री को धर्म पढ़ने की जो पढ़ नहीं पाए नहीं पढ़ा जाता है, इसे वर्ड को यूज किया गया, पढ़ने से वंचित रखा जा रहा था, ठीक है? तो कटर अचोक थे इन्होंने 1925 ईस्वी में। क्या थे? 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में बोल सकते हैं कि स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। क्या? स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, यानी अपनी रक्षा, स्वाभिमान के लिए रक्षा करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए कोई भी पुरुष का अपना एक इज्जत होता है, अपना एक स्वाभिमान होता है, आदर्श होते हैं, अपने आप में एक सभ्य होते हैं, और वाकई में अपने आप को ही अच्छा माना जाता है। कितना भी आप चेहरा से हो या हैंडसम हो, कुछ भी हो, आप अपने आप को अच्छा मानिए, आप अपने आप में आत्मविश्वास कंफर्टेबल महसूस करेंगे, ठीक है? और 1937 ईस्वी में इन्होंने जस्टिस्ट पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया। किस पार्टी का? जस्टिस्ट पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया, जो बाद में द्रविड़ बोल सकते हैं कि द्रविड़ कसगम के नाम से जानी जाती है। पेरियार के द्वारा आत्म समाज आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी आत्म समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? हाई सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिराव फूले। और देखिए यहाँ पे आत्म समाज कौन सा? आत्म, क्योंकि स्वाभिमान का रक्षा करने वाले थे ना, आत्म समाज आंदोलन का प्रारंभ तो पेरियार द्वारा किया गया था, ठीक है? अब चलते हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के बारे में जान ले, उन्होंने क्या योगदान दिया था। तो देखिए तो पहले जानिएगा कि महात्मा गांधी कैसे विकसित किए, ठीक है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का क्या कहते खिलाफ किया था, और राइटिंग और ये सब पर लिखने पर ध्यान नहीं देते थे, व्यवहारिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे, और मानसिक शिक्षा पर, यानी कैसे वृद्धि हो रही है बच्चे की, दिमाग कैसे वृद्धि हो रहे हैं, क्योंकि ये खुद मैट्रिक में शायद सेकेंड का थर्ड डिवीजन आते हुए भी ये एक देश के इतिहास के पन्ने में अपना नाम लिखवाते हुए चले गए। कि यह स्टार्ट कब हुआ था? कि जब वरिष्ठ वकील बने थे तो अब्दुल बहाब के वकालत लाने के दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहाँ ने भी केस जीते थे, और फिर वहाँ से उनका रंग विद्रोही हुआ था, यानी काले रंग है गोरे रंग है। ये पूछे कैसे व्यवहार है, कैसे काला रंग गोरा रंग, कोई काला रंग तो अच्छा नहीं है, अरे दिल में अच्छा है ना भाई, अब गोरा रंग वाला आदमी है तो क्या अपने आप में तेज है? मैथ का परिभाषा जानते हैं ना, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट। तो क्या हैंडसम स्टूडेंट अटैक करेगा? नहीं, दिल से माइंड से हैंडसम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अब चेहरा सुंदर हो पर फूम मार दे, ये कौन तेज होगा लड़का? नहीं, इसका विरोधी थे, यानी रंग भेद के विरोधी थे, तो वहाँ से चमक के चले थे, उसके चंपारण में सत्याग्रह शुरू किए थे। चलिए वहाँ नहीं टोपी भटकते अपन टोपी पढ़ाते हैं। तो महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में, क्योंकि वह कब गए थे? 1893 में। और लौटे कब थे? तो सॉरी 1893 में गए थे, 1915 में। भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। और अछूतों और दलितों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया। और पूछा जाए कि हरिजन जो शब्द का प्रयोग होता है यह किनके द्वारा दिया गया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। अच्छे से आपने जाना, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। इन्होंने 1932 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इन्होंने 1932 ईस्वी में, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931
और दूसरा का 1932 और तीसरा 1933 और तीनों गोल्ड मेडल सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। और दूसरा गोल्ड मेडल सम्मेलन सिर्फ दूसरा गोल्ड मेडल सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और पहला और तीसरा में भाग नहीं लिए थे, तो दूसरा गोल्ड मेडल सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तो 1932 में ही इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी और उन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल सम्मेलन के बाद गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी कौन गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी को कब 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता कौन सा समझौता पुनः समझौता हुआ था। आशा करते हैं आपने इस टॉपिक को जाना होगा क्योंकि पूछा जाता है कि पुनः समझौता कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी में किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं जातीय व्यवस्था के समाज सुधार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इन्होंने भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवा चुके हैं। ये अछूत वर्ग से बिलोंग करते हैं जिनको शुरू में पढ़ाई के समय इन्हें काफ़ी विद्यालय से दूर बैठा जाता था, बाहर बैठा, तो अभी ये काफ़ी तेज हुए हैं और सबसे ज़्यादा अध्ययन भी किए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा क्या बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया था। कब क्या था बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना पूछा जाए, देखिए ये पूछता है बहिष्कृत, ये पूछा जाता है बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारी सभा बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, सॉरी दो बार बोला चुका था। तो बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें बाबा साहब अपना यूज हम करेंगे क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा जी, ठीक है, बाबा साहब के भी नाम से जाना जाता है, उन्होंने किए थे। और 1942 ईस्वी में अंबेडकर जी के द्वारा यानी बाबा साहब जी के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी, यानी अनुसूचित जाति संघ की स्थापना पूछा जाए तो 1942 ईस्वी में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना पूछा जाए तो 1942 ईस्वी में, और 1950 ईस्वी में तो पहले हिंदू धर्म को त्याग चुके थे और 1950 ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी बाबा साहब को पूछा जाए कि बौद्ध धर्म को कब अपनाए थे तो 1950 ईस्वी में अपना लिए थे जो कि संविधान हम लोग का लागू हो चुका था। अब हम लोग बौद्ध धर्म अपना चुके थे तो इन्होंने सभी धर्म में इनके पास प्रस्ताव आया था कि इस्लाम धर्म अपना लीजिए, ईसाई धर्म अपना लीजिए, जैन धर्म अपना लीजिए, फारसी धर्म अपना लीजिए, सभी धर्म को ठुकरा दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए क्योंकि जब भी पढ़ाई पीरियड में पढ़ रहे थे तो इनके गुरु जी ने इनका शान दिया था, बौद्ध धर्म का एक मूर्ति दी थी, प्रतिमा और बुक दिया था जिससे ये काफ़ी प्रेरित हुए थे। अब देखिए भारत का मूल निवासी द्रविड़ है और महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से तो इन्होंने लौटा दिए हैं। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अध्याय चैप्टर 9 पर, लेसन 9 ने हम लोगों का महिलाओं की स्थिति और सुधार बुझे कि इसमें महिलाओं के बारे में सिर्फ चर्चा करना है, उनकी स्थिति को सुधार करना है क्योंकि बाल विवाह ये सब प्रथाओं को अब समाप्त कर देना है इस चैप्टर के बाद से। चलिए शुरू करते हैं, तो देखिए स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, यानी जो लड़कियां थी यानी स्त्रियां थी उनको असमानता का व्यवहार किया जाता था जैसे जातीय व्यवस्था में हमने जाना था। ठीक है, तो उसी तरह से असमानता का व्यवहार किया जाता था, इस पर पहला प्रश्न चिन्ह किसके द्वारा लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था जिसमें जेम्स मिल विद्वान जो थे काफी मुखर थे, जेम्स मिल ये काफी समर्थन थे जो कि जेम्स मिल इतिहास के कालखंड को तीन खंडों में बांटा था वही जेम्स मिल। देखिए समाज सुधारक ज्योतिराव फूले, समाज सुधारक जो थे ज्योतिराव फूले जिनको हमने विस्तारपूर्वक अभी अध्ययन किए थे ज्योतिराव फूले के बारे में, उनकी पत्नी जो थी सावित्रीबाई फूले, क्या थी सावित्रीबाई फूले जो कि प्रधान जाते थे, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे, महिला समानता के लिए प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना की। बहुजन समाज की स्थापना पूछा जाए
बहुजन समाज की स्थापना पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो सावित्री बाई फूले द्वारा, जो कि ज्योतिबाई फूले का ज्योतिराव फूले का पत्नी थे। अब चलते हैं महिलाओं की स्थिति में सुधार में पहला नाम और मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम लेते हैं राजा राम मोहन राय, जो कि आप लोग का बुक इसी नाम से स्टार्ट किया है, राजा राम मोहन राय। देखिए इनका जन्म 1772 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में जन्म हुआ था। यह प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का समर्थन किया था। अभी सती प्रथा हम बताए थे कि किसी स्त्री का अगर पति मर जाते थे, अगर स्त्री जिंदा हो, अगर देखिए स्त्री का पति मर जाते तो विधवा स्त्री का कहता है ना, अगर स्त्री मर जाती है और पति जिंदा रहते हैं तो विधुर क्या कहता है, विधुर, ठीक है, और विधवा इधर। तो देखिए जब मृत्यु हो जाती थी तो इस स्थिति स्त्री को उस पति के लाश पर बांध दिया जाता था, बेचारी कुछ स्वेच्छा के अनुसार जाएगी जलने नहीं जाएगी तो उसे बांध दिया जाता था और चारों तरफ झाड़ और ढोलक लेकर बजाया जाता था, सती मैया की जय हो, सती मैया की जय हो। इस तरह से क्या दिखाई देता है इस समाज में, क्या दिखाई देता है, स्त्री कमजोर है, क्या दिखाई देता है कि उनका आवाज़ों को हम दाब सकते हैं, क्या दिखाया जाता है कि उनको हम जैसे चाहे वैसा कठपुतली बना सकते हैं। अंग्रेज था जो कि मिर्जाफर को कठपुतली बना लेता, लेकिन स्त्री को कब तक बनेगा, समाज में कब तक बुराई चलेगा, उसका अंत होना निश्चित है। सत्य थोड़ा देर से साबित होता है लेकिन साबित होता है, जैसे किसी की जिंदगी में सफलता देर से आती है लेकिन अंधेर नहीं है, जिंदगी अंधेर नहीं होता है, सफलता आना ही है। उसी तरह से कोई बुराई अधिक दिनों तक नहीं चलती है, बुराई का नाश होना जरूरी है, बुराई का नाश होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है कि जब उनके भाई का मृत्यु हुआ था, क्या हुआ था, जब उनके भाई का मृत्यु हुआ था तो उनकी जो भाभी थी उनके पति के चिता पर जो सती प्रथा के अनुसार था प्रथा था उसके अनुसार ये नहीं बताया, जैसे दहेज प्रथा, सत्य प्रथा, जाति प्रथा, कुछ ना कुछ प्रथा का उद्देश्य था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, मानव द्वारा बनाया गया था, ऐसी ऐसी प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो आए और भारतीय आदमियों के सहयोग से जैसे विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्या सागर द्वारा ये सब प्रथा शुरू की गई। अब देखें सती प्रथा के विरोध किस तरह से राजा राम मोहन राय कर रहे हैं, जो पति थे उनको जिंदा, उनके पत्नी को जिंदा जलाया गया था, तब से ही सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प लिए, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चीख वो गुंजट उनके कानों में जा रही थी। और बताइए उनकी जो चीख है आपको जीना जला जाए कितना आवाज निकलेगा, आवाज निकल रहा है अशोक न रहे सती मैया की जय हो, ये कैसा समाज। ऐसा उन्होंने विरोध किया और ब्रिटिश का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैटिंग, क्या थे, लॉर्ड विलियम बैटिंग, उन्होंने 1829 ईस्वी में, कब 1829 ईस्वी में, लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से कानून बनाकर सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। और सती प्रथा को 1833 ईस्वी में, कब 1833 ईस्वी में, एक एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। 1829 ईस्वी में विरोध हुआ था और 1833 ईस्वी में एक्ट बनाया और पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इनमें जो ब्रह्म समाज की स्थापना थे जान दिए कि 1829 ईस्वी में, क्योंकि 1829 ईस्वी का डेट आया ना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1829 ईस्वी में हुई थी, जिन्हें आधुनिक भारत के जन्मदाता, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए हैं, तो राजा राम मोहन राय। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाए स्थापना, तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता, यानी आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, क्योंकि मोहन राय ना नाम था, राजा को भी अपना रख सकता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय, किसने, अकबर द्वितीय, जो मुगल वंश के शासक है अकबर द्वितीय के द्वारा उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय जो लंदन इन्हें शिक्षा के लिए भी गए थे, कहाँ गए थे, लंदन गए थे, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन किया, जो कि हमने 7 लेसन में ही जाना था और मुकाले का स्थान दिया था। और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हो चुकी थी, इनकी मृत्यु कब हो चुकी थी, 1833
33 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब चलते हैं प्रार्थना समाज, किस समाज पर? प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ था। किस भारत में? पश्चिम भारत में हुआ था। इसका स्थापना एमजी रनाडे, किसके द्वारा? एमजी रनाडे द्वारा किया गया था। जिनका फुल नाम एम से महादेव, जी से गोविंद, यानी महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। इनका मूल उद्देश्य क्या था कि महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान रखना, महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान रखना, महिला जागरूकता एवं उत्थान रखना। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। अब चलते हैं जो राजा राम मोहन राय थे कि पत्र पत्रिका का जनक। पहला कि राजा राम आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और आज जैसे भारत का पत्र पत्रिका का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और देखिए जो वेदांत कॉलेज है, कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। जो का हम लोग का वेदांत कॉलेज है 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिए थे। और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में, जो आत्मीय सभा है वेदांत कॉलेज और एक आत्मीय सभा, आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। आप चलते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर एवं विधवा पुनः विवाह पर। ईश्वरचंद विद्यासागर जिन्होंने विधवा पुनः विवाह का बारे में समाज को जाकर उसमें चर्चा करेंगे। इनका जन्म 1820 ईस्वी में, यानी ईश्वरचंद विद्यासागर, किन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग? ईश्वरचंद विद्यासागर। इनका जो जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, ठीक है। और ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म हो चुका। इन्होंने भारतीय जो विद्यासागर के नाम से जाना जाता है, यानी पूछा जाए कि भारतीय विद्यासागर के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर को, ठीक है। जो इन्होंने विधवा पुनः विवाह कब अधिनियम यानी कब शुरू किया था, जो विधवा हो चुकी है जिनका हस्बैंड मर चुके हैं उनका पुनः शादी होना, वही कारण था विधवा पुनः विवाह। जैसे कोई लड़की हुई वो उसका हस्बैंड मर चुके हैं तो उसका फिर से दूसरे पति से शादी करना, दूसरे लड़के से शादी करना, वही कारण था विधवा पुनः विवाह, ठीक है। तो विधवा पुनः विवाह की शुरुआत 1856 ईस्वी में, कब? 1856 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया था, जो कि इन्होंने सोम प्रकाश के लेखक कौन है? सोम प्रकाश के लेखक ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। इनके मृत्यु 1891, यानी इनका जन्म 1820 और मृत्यु 1891, यानी 71 साल जीवित रहे हैं, 71 साल जीवन का रहा है। और विधवा पुनः विवाह का अंत पूछा जाए किनके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने इनमें काफी ही सहयोग दिए थे। आशा करते हैं कि विधवा पुनः विवाह को आपने समझा होगा। 1856 ईस्वी में जो कि लॉर्ड कैनिंग था, और 1857 क्रांति में भी थे, ठीक है। अब रामाबाई के बारे में आते हैं, किसके बारे में? रामाबाई, जो कि महिलाओं की स्थिति सुधार में काफी मदद की है, रामाबाई, ठीक है। जो राणा सांगा के क्या थी, राणा सांगा के शायद घर के थे, अभी राणा सांगा के थे। और देखिए संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई, संस्कृत की महान विद्वान थी पंडिता रामाबाई, जो कि हिंदू धर्म महिलाओं को ये क्या करते हैं कि उन्होंने उजागर किया था। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किया था, यानी विधवा जो हो उनके लिए गृह की स्थापना कहाँ किया था? पूना में किया था, जो विधवाओं को स्वावलंबी यानी स्वाभिमान और बोल सकते हैं कि अपने पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने काम किया था। वो उस जो बनाए थे गृह घर बनाए थे, इसके लिए उन्होंने बनाए थे कि आत्मनिर्भर हो सके। यह शारदा सदन के नाम से जाना गया, जो उन्होंने विधवा गृह बनाया था पूना में, पूना बोले तो महाराष्ट्र में, तो वह किस नाम से जाना गया था? तो शारदा गृह के नाम से, शारदा गृह,
शारदा गृह के नाम से जाना गया था। इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया, जो हिंदू धर्म के थी फिर भी इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया और विधवा होने के बाद भी विवाह किया, विधवा होने के बाद भी विवाह किया और आर्य महिला सभा का स्थापना, यानी पूछा जाए आपसे कि आर्य महिला सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो रामाबाई के द्वारा किया गया था। और रामाबाई ये ब्रह्म समाज अलग हुआ, आर्य अलग अलग हुआ, आर्य महिला समाज रामाबाई द्वारा किया गया था। जो रामाबाई थी कृष्ण के भक्ति, क्या थे, कृष्ण के भक्ति में काफी लीन थी। इनका जो गुरु का नाम था रैदास जी था। ठीक है, अब चलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानने के लिए, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। चलिए जानते हैं, जो देखिए इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, किनका, स्वामी, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, आप सुनते जाइए, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, आर्य महिला सभा दूसरा हुआ, आर्य समाज दूसरा हुआ, ब्रह्म समाज दूसरा हुआ, सॉरी ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, आर्य महिला सभा की पूछा जाए तो रामा बाई, और आर्य समाज की स्थापना पूछा जाए, सिर्फ आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी विवेका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। सॉरी अब कब किया गया था तो 1875 में, कब किया गया था तो 1875 ईस्वी में। और वेदों क्यों लौटो, क्या था, वेदों क्यों लौटो इनका नारा था, यानी पूछा जाए वेदों क्यों लौटो किनका नारा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका बचपन का नाम क्या था मूल शंकर, इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, आशा करते हैं याद किए होंगे, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। और इनके गुरु जो थे स्वामी सरदानंद या बिरजानंद, ठीक है स्वामी सरदानंद इनके गुरु थे। और स्वराज जैसे बोलते हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इसे मैं लेकर ही रहूंगा, तो ये सब तो मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पर सबसे अधिक बोलते थे और मानते भी थे। तो स्वराज का मतलब होता है स्वयं अपने अपना देश में अपना ही राजा होना, ठीक है स्वराज स्थापित करना। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, आशा करते आप याद किए होंगे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आधुनिक भारत में पढ़ेंगे ना तो पूर्ण संविधानता जो मनाया गया था तो 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को 12 बजे रात्रि को रावी नदी के तट के किनारे मनाया गया था। तो उसी के तो याद के चलते फिर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फिर 1929 ईस्वी को फिर मनाया गया था। और पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, यानी पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और राजा राम मोहन राय को भारतीय जो कि पत्र पत्रिका के जनक, और ये जो थे ब्रह्म समाज के स्थापना किए थे और ये आर्य समाज के स्थापना किए थे, उनका अलग था, ये सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं, ठीक है, और उनका था वेदांत था और आत्मीय सभा था, कन्फ्यूजन नहीं हुईगा मेरे स्टूडेंट और मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इनका जन्म 1863 ईस्वी में, सिर्फ सुनिए इनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो, कहाँ गए थे, अमेरिका के शिकागो। देखिए ये 2 मिनट का समय दिया गया जीने के लिए, देखो जिंदगी लामा जीने का कोई मतलब नहीं होता है, जिंदगी छोटा ही रहे लेकिन कुछ करके जाए, इतिहास रच के जाए, या आप कोई चांस मिला ना तो चांस गंवाना नहीं चाहिए, चांस का भरपूर लेना चाहिए। तो इन्होंने भी अमेरिका में जब गए थे धर्मसभा में, ठीक है, इनका जन्म आपने जाना 1863 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो गए थे, और 1893 ईस्वी में बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी भी अब्दुल सेठ के मुकदमे लड़ने के लिए कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, और ये गए थे अमेरिका शिकागो में विश्व धर्म सभा सम्मेलन चला था वहाँ गए थे। इन्होंने अपने वाक्य का संबोधन क्या किया था, अमेरिका के भाइयों
और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये सब वाक्य को सुनते हुए ताली की गड़गड़ाहट ने, 2 मिनट की ताली की गड़गड़ाहट ने इनका नाम अमर कर दिया। इनको तूफानी हिंद के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम जाना जाता है? तूफानी हिंद। तूफानी हिंद के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं सैयद अहमद खान के बारे में जानने के लिए। किनके बारे में? सैयद अहमद खान। तो देखिए, ये अल्पसंख्यक समुदाय के थे। किस समुदाय के थे? अल्पसंख्यक समुदाय के थे। और मुसलमान समुदाय में जागरण की जो शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर अहमद खान द्वारा किया गया था। ये अल्पसंख्यक समुदाय के थे, जो सैयद अहमद खान ने अल्पसंख्यक समुदाय के थे। और देखिए, जो विवेकानंद थे वह रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए हैं। पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1897 ईस्वी में किया गया था। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? 1897। और धर्म सभा में कब गए थे? 1893। यानी 4 साल बाद ये खुद कर चुके हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जो कि आज प्रत्येक जिला में इनके जो है समर्थक इन पर बुक छपवाते हैं या निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। और चलते हैं जो रविंद्र बालिका विश्वविद्यालय। रविंद्र बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना 1931 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की बेटी ने की थी। यानी रविंद्र बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना 1931 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की बेटी ने की थी। और देखिए, चैपमैन गर्ल्स स्कूल। कौन सा? चैपमैन गर्ल्स स्कूल। लड़की महिलाओं की स्थिति सुधार करने के लिए सब चल रहा है। तो महिला स्थापना 1903 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में मधुरा देखिए माधु रीलता किसके द्वारा? माधु रीलता द्वारा। यानी पूछा जाएगा आपसे कि चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना कब किया गया था? तो 1903 ईस्वी में। यह कहाँ है जो चैपमैन गर्ल्स स्कूल है? तो मुजफ्फरपुर में है। यह जो इस स्कूल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो माधु रीलता द्वारा। किसके द्वारा? माधु रीलता देवी के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं केशवचंद सेन के बारे में जानने के लिए। देखिए, तो वर्ष 1929 ईस्वी में कब? वर्ष 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। यानी पूछा जाए कि बाल विवाह अधिनियम किसने पारित किया गया था? तो केशवचंद अधिनियम ने पारित किए थे। और ईश्वरचंद विद्याशाखा अलग है, वह विधवा पुनर्विवाह। ये केशवचंद सेन है, नाम थोड़ा सा मैच था इसलिए हम बता दिए। तो अधिनियम पारित किया गया था। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। यानी देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना अभी हमने जाना था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना और सत्यार्थ प्रकाश पुजारी थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो सॉरी, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जाना था। और ये प्रार्थना समाज, और सत्यार्थ प्रकाश, ये प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना तो केशवचंद सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना केशवचंद सेन। और यही पूछते सत्यार्थ प्रकाश, तो हो जाता स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। इन्होंने एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे को मदद किया था। और केशवचंद सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल, जिसे मैरिज एक्ट के भी नाम से जाना जाता है, 1871 ईस्वी में ड्राफ्ट पटना में तैयार किए थे। और देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंसम दक्षिण काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम आपसे पूछा जाए तो नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और इनको बचपन का उपाधि जो था विवेकानंद की उपाधि जो था, क्योंकि इनका तो बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, उसी तरह से इनका बोल सकते हैं कि विवेकानंद की उपाधि, जैसे राजा की उपाधि अकबर द्वितीय,
तो विवेकानंद की उपाधि तो महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? महाराजा खेतरी के द्वारा दिया गया था। और स्वामी विवेकानंद ने विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतरी के द्वारा प्राप्त किए थे और वैसा भी काम कर भी चुके थे। उपाधि ईश्वर से नहीं मिलता, अच्छे काम करने की बदौलत मिलता है। जैसे मेरी कॉम नाम किसने दिया था? उसके कोच ने, उनके गुरु जी ने। उनका नाम शायद चौस से नाम था, चिंगू ईश्वर से नाम था, लेकिन उनका मेरी कॉम नाम, ओरिजिनल नाम मेरी कॉम जॉर्ज परजीसी ने उनके गुरु जी ने दिए थे। ठीक है। और वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र को कहा जाता है। ठीक है। और केशव चंद्र जो थे प्रार्थना समाज में भी मदद किए थे। यहाँ तक हमने जाना, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अध्याय पर। देखिए 10 पाठ का हम लोग का नाम है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। जानेंगे कि अंग्रेजों ने शिक्षा कैसे कैसे अपना अधिनियम लागू किया था। ये तो हम जानने की है कि आधुनिक अधिनियम शिक्षा अधिनियम 1835 में लाल मेकाले की नीति पर लागू हुआ था और जेम्स मिल ने भी सहयोग किया था और राजा राममोहन रॉय ने भी उसके पक्ष में थे। ठीक है। तो इसमें जानेंगे अंग्रेजी शासन में सारी बदलाव कैसे कैसे शासन में बदलाव आया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए तो भागलपुर, इसमें जो जो आप लोग का वर्ड है इस पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण तथ्य है। तो भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। यूरोपीय व्यापारी ने जो मुगल काल में ही अपने विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, जैसे पुर्तगाल ने गोवा में, डचों ने मछलीपट्टनम में। डच कहाँ स्थापित किए थे? तो मछलीपट्टनम में। अंग्रेज जो कि मद्रास से चेन्नई में, मद्रास कहाँ है? चेन्नई, जो कि दक्षिण भारत में है, स्थापित किए थे। और फ्रांसीसी जो किए थे वह पुडुचेरी में किए थे। और देखिए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? तो अपना पुर्तगाल जो था राजधानी गोवा में स्थापित किया था। और फ्रांसीसी की राजधानी पांडिचेरी थी, फ्रांसीसी की राजधानी पांडिचेरी, और वो अपना व्यापारिक कोठी पांडिचेरी में स्थापित किया था। और देखिए गोवा शहर का स्थापना, जो गोवा शहर आया है इस शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो पुर्तगाल का गवर्नर था, कौन था? पुर्तगाल का गवर्नर अल्बुकर्क, कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगाल का गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा शहर की स्थापना की थी। और देखिए जो यूसुफ आदिल शाह, कौन? यूसुफ आदिल शाह, वह बीजापुर के शासक जो थे से जीतकर किया था। यानी आपसे पूछा जाए कि गोवा शहर की स्थापना किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। और कहाँ, किसका शासक था? पुर्तगाल का, यूरोप का? पुर्तगाल का, सॉरी यूरोप तो पुर्तगाल में है। पुर्तगाल का कि इंग्लैंड का? तो पुर्तगाल का। अल्बुकर्क का था? तो पुर्तगाल का था। और कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। और जो गोवा शहर है वह किनसे जीत कर किया गया था? तो बीजापुर के शासक जो कि आदिल शाह था, कौन था? आदिल शाह से जीत कर किया गया था। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा खांसी हो चुका है, तभी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक, एक लाइक तो बनता है। आदिल शाह के द्वारा बीजापुर के शासन को स्थापित किया गया था। और देखिए पांडिचेरी का संस्थापक, पांडिचेरी का संस्थापक 1674 ईस्वी में किसके द्वारा? 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने किए थे। पांडिचेरी का जो शहर है फ्रांस का, वह किसके द्वारा किया गया था? 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने किए थे। और पांडिचेरी का बोल सकते हैं कि संधि, यानी पांडिचेरी का संधि पूछता है तो 1755 जनवरी 1755 ईस्वी में हुआ था। और कलकत्ता शहर का स्थापना, जो कलकत्ता तीन शहर से मिलकर बना है, सुल्तानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर, जाने थे। और ये इसकी स्थापना जाव चरनाक, इनके भी जाने थे, फिर भी जान लेते हैं, जाव चरनाक। और बम्बई शहर की स्थापना गिराल ओंगेर, किसके द्वारा? गिराल ओंगेर के द्वारा किया गया था, जो कि पुर्तगाल का यह पहला अधीन में था, लेकिन उसके जो था उन्होंने अपना जो एक पुत्री का विवाह किया था तो अंग्रेजों का किया था और दान दिए थे मुंबई, तो वही गिराल ओंगेर ने मुंबई शहर का स्थापना किए थे। और बांग्लादेश की राजधानी का क्रम हमने जाना था कि जो बांग्लादेश वो ढाका, कहाँ? ढाका, और मलमल कपड़े के लिए प्रसिद्ध है जो बांग्लादेश है, जो कि हम अध्याय 2 में ही जान चुके थे। मलमल पर जमींदारी की बुनाई की जाती थी और मशीनों को जाना था। और भारत में जो रेलवे की शुरुआत किए थे, क्योंकि सही बदलाव आ रहा है कि सब चर्चा करना जरूरी है, वह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। यानी भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और जो रेलगाड़ी थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, वह 34 किलोमीटर, कितना? मुंबई से थाने,
इसे मुंबई भी लिख सकते हैं। चलिए मुंबई, मुंबई से थाने, कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और किस कितना मिनट में यात्रा की थी 34 किलोमीटर? तो 45 मिनट। कितना? 45 मिनट में उन्होंने अपनी जो ट्रेन चली थी वो 45 मिनट ही चली थी। और उद्योग भी विकसित हो चुका था। तो देखिए जो इंग्लैंड का दो शहर है, एक लैंकाशायर और मैनचेस्टर, सूती वस्त्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। और भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है, यहाँ पर भी सबसे अधिक सूती वस्त्र बुनाई होता है, इस कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और विश्व में क्रिकेट का मक्का, देखिए इंग्लैंड बार बार आ रहा है, ये भी जानना आप लोगों की जरूरी है। पूछा जाए कि क्रिकेट का मक्का किस देश, मक्का किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को। और लॉर्ड्स में खेला भी होता है, ठीक है, लॉर्ड्स में खेला होता है। तो पूछा जाए कि विश्व में क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है। और भारत में क्रिकेट का मक्का अहमदाबाद मैनचेस्टर है, इसलिए बता दी मक्का रहा है बार बार इसलिए। तो भारत में क्रिकेट का मक्का ईडन गार्डन को, किसको? ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में, इसको कहा जाता है। और जो लॉर्ड्स है वो इंग्लैंड में है, ठीक है। और चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन इटली से शुरुआत हुआ था, वो फ्लोरेंस नगर से, जो कि हम प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर लेसन में चर्चा कर चुके हैं। और देखिए भारत को जो गांवों का देश कहा जाता है, भारत को ग्रामीण सभ्यता, किसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता यानी कृषि प्रधानता सभ्यता है, ये आपने हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था। और कानपुर और जमशेदपुर क्या है? औद्योगिक शहर है। कानपुर और जमशेदपुर औद्योगिक शहर है। कानपुर जो है मुख्यतः चमड़े के लिए, किसके लिए? मुख्यतः चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़े, चमड़े वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी कानपुर को, और किस नाम से जानता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और जमशेदपुर जो कि उद्योग स्थापित हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हमें जाना था कि फारसी जो धर्म के थे, और सूती वस्त्र 1854 ईस्वी में, ठीक है, दादाजी नरावी द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे जमशेद जगदीशपुर है, वह स्टील आयरन की स्थापना यानी टिस्को की स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। और देखिए फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था, क्या था? अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र था, वह मद्रास यानी चेन्नई में स्थित था। और फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाए तो मद्रास, और फोर्ट विलियम कहा जाए तो वह कोलकाता में, कहाँ है? कोलकाता में। दोनों में नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कर रहे हैं तो वह है चेन्नई यानी मद्रास, और फोर्ट विलियम कर रहे हैं तो वह कोलकाता। देखिए शहर का विकास हुआ था, मंदिर भी बना था। तो देखिए दक्षिण भारत में सबसे अधिक मंदिर है, और दो शैली में बना था, अब भूगोल में पढ़ चुके हैं, एक द्रविड़ शैली एक नागर शैली। तो देखिए उस शैली के बाद चर्चा अलग करेंगे। तो तीर्थ नगर किसे कहता है? तो जहाँ मंदिर के आसपास का गांव होता है उन्हें तीर्थ नगर कहा जाता है। नहीं कहते हैं कि तीर्थ नगर पर जाएंगे घूमने के लिए, जिससे जाया जाता है वैष्णो धाम, यहाँ यहाँ जाया जाता था वे, या बोल सकते हैं कि बोलबम, ऐसा ऐसा जाया जाता है। और भारत में मक्का मदीना, तो भारत में बुद्ध के समय से ही भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से बिहार के जिला भागलपुर में स्थित था, कौन सा अंग? चंपा था शायद, चंपा इसी तरह से था, वह भागलपुर में स्थित था। और बोल सकते हैं कि जो अंग देश है, कैसा है? अंग देश है, अंग देश की राजधानी चंपा नगर थी, यानी जो प्राचीन है महा 16 महाजनपद में जो अंग था वो चंपारण में, सॉरी कहाँ था हम लोग का, भागलपुर में था। कहाँ था? भागलपुर में था, जो कि चंपा नगर उसकी राजधानी थी। और भागलपुर जो शहर है वो 300 शहरों से मिलकर बना है, और जो कोलकाता है वो 300 शहर से मिलकर बना है, जो हमने बताया। और भागलपुर भी 300 शहर से मिलकर बना है, वह चंपा भागलपुर और ब्राड़ी। चंपा भागलपुर व ब्राड़ी, देखिए कौन कौन सा? चंपा चम्पा, चंपा चंपारण, चंपा भागलपुर, चंपा भागलपुर और ब्राड़ी, यानी भागलपुर 300 शहरों से, चंपा भागलपुर ब्राड़ी, ठीक है, ये 300 मिलकर बना है। और मारवाड़ी टोला पर जान लेते हैं। देखिए समुदाय के लोग यानी मारवाड़ी समुदाय के लोग राजस्थान से आए थे। नहीं कहते मारवाड़ी आज भी वहां पे हैं,
तो मारवाड़ी समुदाय के लोग राजस्थान से आए थे, इन्हें राजस्थानी कहा जाता है। ये व्यापार करते थे, जैसे बिहार के लोग बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं उत्तरी बिहारी, ऐसा ऐसा हम लोग कहते हैं। जैसे दिल्ली के लोग तो दिल्ली के निवासी हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो उससे राजस्थान से मारवाड़ी लोग आए थे, तो उन लोगों को राजस्थानी कहा जाता था। अब जुलाहे, देखिए जुलाहे जो कि कबीर थे, क्या थे? कबीर, जो कि एक होता है जिसे नहीं कहते हैं कि वह कौन सा कवि थे, तो जो देवता को, जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, और जो नहीं करता है नास्तिक, तो वो नास्तिक कवि थे। ठीक है, तो देखिए जुलाहे, तो जुलाहे मुस्लिम समुदाय के हैं, जो रेशमी कपड़े क्या करते हैं, रेशमी रेशम कीट से प्राप्त करते हैं, जो कि शहतूत के पौधे में, पौधे पर होते हैं, जो कि हमने वर्ग 80 में ही साइंस में पढ़ा है, वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और इस तरह से होते हैं, हमने शहतूत का पेपर इसको जाना था, लेकिन पत्ते पर होते हैं और उनका गर्म में रखा है उसमें तभी ये उत्पन्न होते हैं। तो रेशमी कपड़े जैसे धागे तैयार करने के लिए काम करते थे, इन्हें बुनकर कहा जाता है। जुलाहे क्या करता है? बुनकर कहा जाता है। ये सब कार्य हिंदू तांत्रिक जाति के लोग भी करते थे। जुलाहे तो मुस्लिम धर्म के लोग में कहा जाता है, और हिंदू धर्म में किस जाति को कहा जाता है? तो तांत्रिक जाति को कहा जाता है। और देखिए भागलपुर जो शहर है, इसे भागलपुर शहर का काफी चर्चा किया गया है। तो जो भागलपुर शहर है, सबसे प्रसिद्ध उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तसर सिल्क, कपड़ा तैयार करने के लिए प्रसिद्ध था। किस सिल्क के लिए? तो तसर सिल्क, तसर सिल्क नामक कपड़ा तैयार करने के लिए भागलपुर प्रसिद्ध था। और बांग्लादेश ढाका और मलमल, सॉरी बांग्लादेश तो मलमल के लिए, ढाका उसके लिए रानी हुआ और टाका मुद्रा हुआ, मलमल के लिए प्रसिद्ध था। अब चलते हैं बफ्टा, किस पर? बफ्टा, बफ्टा के बारे में जानते हैं, जो टॉपिक दिया है। तो रेशम और सूत की मिलावट, क्या? रेशम और सूत दोनों को मिलावट, जैसे मिक्सिंग, बफ्टा यानी बफरिंग मिला रहा है। ठीक है, से बफ्टा तैयार किया जाता था। बफ्टा एक बोल सकते हैं एक ही रंग का बफ्टा, एक ही रंग का रेशमी टुकड़ा होता था, जिसे बुनने के बाद रंगा जाता था। बफ्टा को बुनने के बाद ही रंगा जाता था, जो रेशमी और सूती कपड़ों का मिश्रण होता था। और देखिये भागलपुर को 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। यानी भागलपुर को जिला कब घोषित किया गया? बिहार का एक जिला है, बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। उस जिले में भागलपुर बिहार का एक जिला है, जिसकी स्थापना 1774 भागलपुर जिला बना 1774 ईस्वी में। यहाँ तक हम लोगों ने जाना। और भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर यानी बड़े अधिकारी, कलेक्टर जिसे बोलते हैं, वह थे अगस्थम किलवल लैंड। क्या थे? किलवल लैंड अगस्थम, यहाँ पे दे रहे हैं किलवल लैंड, अगस्थम किलवल लैंड थे। ठीक है, और जो कि बड़े अधिकारी जिसे आते हैं, जैसे एसपी जिसे बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं ना, तो एसपी वही होते हैं। और भागलपुर में जो नगर पालिका, जैसे नगर निगम होता है, नगर पालिका जिसे सबसे पहले तो राजस्थान में शुरू होता, तो नगर पालिका का स्थापना 1864 कब? 1864 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जिला बन चुका था 1774 ईस्वी में, और नगर पालिका 1874 ईस्वी में। और देखिए जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, क्या है? अब शिक्षा था इसमें, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछा जाए तो पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो राजा धर्मपाल, और पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और धर्मपाल थे, एक होता है हम लोग का याद नहीं पड़ रहा है, धर्मपाल एक थे, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता है, एक दूसरा विश्वविद्यालय होता है, जो कि पाल शासक हैं वो किए थे, शायद याद पड़ेगा तो बता देंगे पढ़ाने के क्रम में। और शहर के जो स्थानीय जमींदार थे वह तेज नारायण सिंह, कौन थे? तेज नारायण सिंह, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसी के दिमाग में चला। ठीक, चलिए तेज नारायण सिंह 1883 ईस्वी में, कब? 1883 ईस्वी में तेज नारायण जो थे जुबली कॉलेज के स्थापना के, जो कि हम शुरू में ही जान चुके थे, जो कॉलेज की स्थापना वाला था उसी में। और देखिए जो बलाई चंद्र थे मुखर्जी, वो भागलपुर में लंबे समय तक निवास किए। इनको लोग वन फूल के नाम से जाना जाता है, किन के नाम से? वन फूल सॉरी बलाई चंद्र मुखर्जी को किस नाम से जाता है? किसको? बलाई चंद्र मुखर्जी किस नाम से जाता है? बन फूल के नाम से जाना जाता है। यानी देखिए यहाँ पे
बलाई चंद्र मुखर्जी, किस नाम से? तो बन फूल के नाम से, बन फूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अंग्रेज सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किए थे, जमे करते हैं अंग्रेजों पर प्रथम विद्रोह बंगाल ने शुरू किया था, जो कि तिलका मांझी जो कि बिहार के अब भागलपुर के हैं, तो उसमें बंगाली प्रांत में था, तो उन्होंने हमला बोला था। और देखिए जो पथेर पंचाली के लेखक है वह है, पथेर पंचाली के लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, और गीतांजलि सब जान चुके हम लोग, और भारत का राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अध्याय पर, नेक्स्ट अध्याय हम लोग का काला क्षेत्र एवं परिवर्तन। ये हमने इसके पहले वाले पाठ में जाना था विक्रमशिला श्री विश्वविद्यालय, जो कि धर्मपाल के, जो कि पाल वंश का शासक है, जो कि पाल वंश के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, उसका जो हम बोल रहे थे कि एक और विश्वविद्यालय होता था वह होता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि देव जो कि गोपाल द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा किया गया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उदंतपुरी बौद्ध मठ की स्थापना, तब हो जाता है देवपाल। कौन? देवपाल। लेकिन विश्वविद्यालय जुड़ देगा तो हो जाता है गोपाल। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट अध्याय, जो कि अध्याय हम लोग का है 11, और वह है कला क्षेत्र में परिवर्तन। कला क्षेत्र में परिवर्तन में है कि उत्तीर्ण चित्र। कौन सा उत्तीर्ण चित्र? देखिए तो डेनियल बुधाओं द्वारा, किसके? डेनियल देखिए। अब हम लोग आते हैं अध्याय 11, जो कि कला क्षेत्र में परिवर्तन है। इसमें अब हम लोग जानेंगे उत्कीर्ण चित्र, डेनियल बंधुओं द्वारा उत्कीर्ण चित्रों का एल्बम क्या है, जो एल्बम बोलते हैं ना अपने फोटो की तैयार करके रखते हैं, उसी को एल्बम को ब्रिटेन के लोग बड़ी उत्सुकता के साथ यानी खुशी के साथ खरीदते थे। जो एल्बम तैयार करते थे डेनियल बंधु, वो खरीदते थे। यह लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र होते थे, लकड़ी पर या कागज पर बनाए गए छापे के द्वारा चित्र होते थे, तो वह उत्कीर्ण चित्र। हमें जाना किसके द्वारा तैयार किए जाते थे? डेनियल बंधु के द्वारा, जो कि अंग्रेजों काफी खुशी से उस किनते थे, क्योंकि वह जो चित्र होता था छापे के द्वारा लकड़ी और कागज पर तैयार किए जाते थे। अब रूप चित्र यानी औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण छवि चित्रण थी। इसमें किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव का विशेष जोर दिया जाता था। जो रूप चित्र, नाम से स्पष्ट है रूप चित्र, यानी रूप का उसके हाव भाव पर विशेष जोर देना, उसके रूप आकार पर हाव भाव पर विशेष जोर देना। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला को पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, फिर मीर कासिम बना, फिर मीर जाफर को रावण कर का कठपुतली था, आप लोग जान रहे थे। और मैसूर का तीसरी जो लड़ाई था श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान बहादुर के साथ लड़ते हुए 1799 ईस्वी में मारे गए थे। ठीक है, और उस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1799 ईस्वी में। अब चलते हैं भित्ति चित्र, किस पर? भित्ति चित्र यानी दीवार वाले पर चित्र बनाना, यानी दीवार पर बनाए गए चित्र को किस नाम जाना जाता है? भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी यानी कला क्षेत्र के जानना है, तो मधुबनी जो पेंटिंग था यह बिहार में प्रसिद्ध था। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध था? तो बिहार राज्य में प्रसिद्ध था। यह पेंटिंग जो भित्ति चित्रकला शैली है, कैसी है? भित्ति चित्रकला आप देखते होंगे, जैसे पटना स्टेशन पर जाएं या अन्य स्टेशनों पर जाएं, देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग काफी प्रसिद्ध होता है, यह दीवारों पर बनाया जाता है। यह एक भित्ति चित्रकला शैली है, आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह कैसा है? तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग के दो रूप है, एक होता है भित्ति चित्र यानी दीवारों पर बनाने वाला, एक होता है अरिपण चित्र। क्या होता है? एक होता है अरिपण चित्र, भित्ति चित्र दीवारों पर और अरिपण चित्र। ठीक है, और देखिए भारत में राष्ट्रवादी चित्रकला शैली का जनक पूछा जाए यानी जन्मदाता तो राजा रवि वर्मा है। कौन है? राजा रवि वर्मा। चित्रकला के जनक कौन है? राजा रवि वर्मा पूछा जाए तो बताइएगा, राजा रवि वर्मा जो मुंबई यानी बोल सकते हैं कि वर्तमान जो महाराष्ट्र में है, वहां प्रिंटिंग प्रेस लगाए थे। जो राजा वर्मा थे वो मुंबई में अपना प्रिंटिंग प्रेस लगवाए थे। और नंदलाल बोस, देखिए
रविन्द्रनाथ टैगोर में भी हम जानते हैं कि उनके जो दादा थे, पूर्वज थे, उन्होंने बंगाल में काफी अपना बोल सकते हैं कि काफी प्रसिद्ध थे उनके जो पूर्वज थे। और इसलिए तो उनके पिताजी जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनके पिताजी बंग बुल का उपाधि भी दिए थे, बंग देश का बुलबुल का उपाधि भी दिए थे। और देखिए जो नंदलाल बोस थे, उन्होंने गांधी जी का रेखाचित्र तैयार किया था। नंदलाल बोस गांधी जी का रेखाचित्र तैयार किए थे। और अब बोल सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर भी राष्ट्रवादी चित्रकला के समर्थक थे। अब स्थापत्य शैली में तीन प्रमुख थे। तीन शैली प्रमुख थे। इनमें एक शैली को ग्रीको रोमन शैली की नाम दिया जाता है। ग्रीको रोमन शैली स्थापत्य शैली थी जो रोम इटली के राजधानी है। रोम क्या है, इटली की एक राजधानी है। और जो पुंजारण का स्वर्ण कहाँ हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था, जिन्हें हमें पहले ही पार्ट में जान चुके हैं। और स्थापत्य शैली जो पहला शैली कौन था, ग्रीको रोमन। और दूसरा का शैली यानी गाथिक शैली। और तीसरा का शैली था हम लोग का इंडो सारा सैनिक शैली था। और इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप है। आप लोग जानते हैं इंडिया शब्द का प्रयोग हिंद यूनानियों ने किया था, जो यौन शासक है, ठीक है, यौन शासक है जिन्होंने हिंद यूनानियों का शब्द का प्रयोग किया था। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। जबकि सारासेन शब्द जो कि हमने जाना था, इंडो सारा सैनिक जाना था ना, जो सारा सैनिक शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग, यानी इंडो जो है वो हिंद का संक्षिप्त रूप है, हिंदू का, और जो सारा सैन्य है वह यूरोप के लोग मुसलमान को सम्मोहित करते हैं, यानी यूरोप के लोग मुसलमान को किस शब्द से सम्मोहित करते हैं, तो सारा सैनिक। और ये भी बात एक जानने वाली है कि जो यूरोप में कंट्रियां हैं जैसे इंग्लैंड ले लें, वहाँ जो मुसलमान हैं उन पर भी जुर्म मतलब समानता का भाव उतना नहीं देखा जाता है शायद, ठीक है। और देखिए मधुबनी जो पेंटिंग का संग्रहालय है वो जापान के तोकामाची है। जो मधुबनी पेंटिंग का जो संग्रहालय है वो जापान में भी जो है, जापान में जहाँ है उस नगर का क्या नाम है, तोकामाची, ठीक है। और सुविधा की दृष्टि से जो भाषाएं थी लिखने का, चित्र बनाने का, वो तीन प्रमुख भागों में विभक्त थी। एक था बंगला, दूसरा हिंदू और तीसरा उर्दू। हिंदी विषय और तीसरा उर्दू। अब चलते हैं तीनों साहित्यों को जान लेते हैं। जैसे बांग्ला साहित्य, तो देखिए आधुनिक बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि वंदे मातरम के भी लेखक है, जो कि भारत का क्या है, राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम के भी इन्होंने आनंद मठ का उपन्यास का लेखक है। और भारतीय द्वारा प्रथम सन्यासी विद्रोह था, तो जो कि 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व जो कि केना सरकार द्वारा भारत का प्रथम आंदोलन कौन था, सन्यासी विद्रोह था, जो कि केना सरकार द्वारा द्रिज नारायण ने किया था। अब आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक तो रमेश चंद दत्त थे। यानी पूछा जाता है कि आर्थिक शोषण पर पहला विद्रोह किसने किया था, जो अंग्रेजों द्वारा भारत पर आर्थिक शोषण किया जा रहा था, इसका पहला विद्रोह किसने किया था, तो रमेश चंद दत्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत अंग्रेजों द्वारा भारत पर आर्थिक शोषण किया जा रहा था, इसका पहला विद्रोह किसने किया था, तो बताइएगा रमेश चंद दत्त। उन्हें रचना की प्रेरणा साहित्य देशभक्ति से मिली, वो देशभक्त थे, वो देश के लिए ही एक रचना लिखे हैं। और गण देवता एवं पंचग्राम उपन्यास के लेखक तारा शंकर बंदोपाध्याय है। अभी पुनः सुनिए गण देवता एवं पंचग्राम उपन्यास के लेखक तारा शंकर बंदोपाध्याय है। इसमें शोषण एवं औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समाज के विघटन को दिखाया गया है।
क्या किसके कारण, जो कि औद्योगिकरण है, शोषण हो रहा था, इसमें विघटन को दिखाया गया है। अब बंगला साहित्य जानेंगे, अब हिंदी साहित्य जान लेते हैं। तो हिंदी साहित्य जो कि देखिए रस में तो नौ आधार है ना, नौ भागों में बांटा गया है। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र के आधार पर नौ भागों में बांटा गया था, सॉरी आठ भागों में। तो देखिए भारत तेंदु हरिश्चंद्र खुद उन्हीं के नाम पर है, बुझे कितना ही महान है, और राष्ट्रीय कवि तो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। और देखिए हिंदी साहित्य में तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक है। पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इनका नारा था हिंदू हिंद हिंदू और हिंदुस्तान, इनका नारा था हिंद हिंदू हिंद हिंदू और हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ठीक है। इनका नारा था हिंद हिंदू और हिंदुस्तान, ये पूछा जाता बता दीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए हरिश्चंद्र नाम है हिंद हिंदू हिंदुस्तान, इनका प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी चौपट नाजा, यानी अंधेरी नगरी चौपट नाजा, नहीं बोलते हैं कि अंधेरा नगर, सॉरी जैसे थोड़ा सा ज्ञान में एक थोड़ा सा बस बोलते हैं जैसे अज्ञानी में ज्ञान वाला आके अब्रभराट है, उसी तरह से मान लीजिएगा, यानी अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद लेखक का नाम प्रसिद्ध है, जिन्हें कलम का सिपाही कपड़ों गोदान गबन, जो कि हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं, गबन यानी घोटाला के बारे में, कफन जो कि बहु सास पति वाला चर्चा कर चुके हैं, जो कि कफन खरीदने गए हैं, और चिल्लम पीकर सो गए हैं, इस पर हमने चर्चा किया था। अब आते हैं उर्दू भाषा। देखिए उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब के क्षेत्र 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह दो भागों में बटा है, एक सीवी और खेमा, सीवी और दूसरा खेमा, यह मिश्रित भाषा है। हिंदी और उर्दू में लिपि में अंतर है, यानी हिंदी का जो लिपि है वह है हम लोग का देवनागरी, और जो उर्दू का लिपि वह है फारसी, ठीक है। तो संस्कृत और ये हम लोग चर्चा किए। अब चलते हैं जो कि 1857 के समय दिल्ली से प्रकाशित होने वाला अखबार, जो 1857 क्रांति के समय काफी उग्र आंदोलन था, जो जितने भी सरकारी खजाना थी उसको लूटा जा रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने भी जो खुद लूटने आए भारत का, और उनका लूटेगा तो आपसे तो लूटबे करेंगे, तो लूटे हैं। तो विष्णु भट्ट गोडसे मांझा प्रवास पुस्तक में बतावे किए हैं कि 5 साल से जितने ऊपर पुरुष थे उनको अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था कि आपको अगर 5 साल से ऊपर पुरुष लोप रहे हैं तो उनको गोलियों से मार दो। इसके लिए बचने के लिए उन्होंने दाढ़ी मूछ या तेल की स्त्री का भी वेश धारण कर चुके थे। ये सब हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं। अब थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेते हुए तो तेज आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 1857 के समय, तो पूछिएगा पहले कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और देखिए एक देहली अखबार, कौन सा अखबार? देहली अखबार, जो हम लोग का 1857 क्रांति में अखबार प्रकाशित हो रहा था उसका नाम था देहली अखबार, और लखनऊ से प्रकाशित होने वाला अखबार का नाम था तिलिशम अखबार। कौन था? तिलिशम अखबार। और देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद पर भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने उर्दू में समाचार पत्र निकाले जिसमें अल हिलाल और अल हिलाल और अल बलाग ये इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछेगा कि अल हिलाल और अल बलाग किसके द्वारा समाचार पत्रिका निकाली गई था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। किस भाषा में निकाला गया था? तो उर्दू। अल हिलाल किस भाषा में लिखा गया है? तो उर्दू। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पूछा जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और देखिए जो क्रांति चल रही थी भारत में, तो भगत सिंह के द्वारा भी नारा लगाया जा रहा था कि इनकलाब जिंदाबाद। क्या लगाया जाता था? इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का आप लोग जान रहे हैं कि यह उर्दू नारा है, यानी इनकलाब जो शब्द है यह क्या है? उर्दू है। इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो सच्ची बगावत की जय हो, सच्ची बगावत की जय हो। उर्दू आया था इसलिए हम बता दिए, क्योंकि देखिए किताब है ना, तो किताब तो हो गया हिंदी, लेकिन इसे उर्दू में क्या बोलते हैं? कताब। क्या बोलते हैं? कताब, ठीक है।
और जो कि उर्दू जो समोसा हुआ, बिरयानी हुआ, ये सब तो विदेशियों का अरबों का ही देन है, तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्रांति अमर है। देखिए इनकलाब का कौन सा वर्ड है, उर्दू वर्ड है, किनके द्वारा नारा दिया गया था, तो भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था। हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो सच्ची बगावत की जय हो या क्रांति अमर रहे, या क्रांति अमर रहे। अब देखिए जो सारे जहां से अच्छा इन का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया, तो ये भी उर्दू शब्द है, इसलिए सब ले रहे हैं। सोफोसी की तमन्ना तो राम प्रसाद बिस्मिल। और देखिए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है यानी मार्क्सवादी पार्टी, वो जिसका माकबा, माकबा जिसे बोलते हैं, झंडा क्या होता है उसका, लाल रंग होता है और हंसिया का चित्र होता है। और आजाद हिंद सरकार का जो गठन हुआ था उसका जो गठन पर लाल रंग का होता है, जो आजाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, वह लाल रंग का होता है, लेकिन उस पर दहाड़ते हुए शेर, कैसा दहाड़ते हुए, और सुभाष चंद्र बोस खुद दहाड़ते हुए एक शेर थे, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो। और देखिए ये दिल्ली चलो वाला नहीं कि जो कौन था, मिर्जाफर था कि शायद, हाँ मिर्जाफर था, वो बोल रहा था पहले कि बंगाल का राजधानी कहाँ था, पहले ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर आया, तो मुंगेर ले जाने के क्रम में उसके जो बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे पीपुल्स थे यानी लोग थे, वो मारे गए थे, वो वाला नहीं। और वहाँ पर भी दिल्ली चलो उसमें भी हुआ था। यहाँ पे दिल्ली चलो दूसरा नारा है जो कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे, राजधानी पर अटैक बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अध्याय लेसन 12 पर, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन है, इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। इस अध्याय में जानेंगे कि भारत में कैसे कैसे अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुके थे। देखिए 1851 से 1852 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के तीनों जो कि प्रेसिडेंट थे, जो कि तीनों बोल सकते हैं कि राज थे, आंदोलन शुरू करने वाले, जैसे हम लोग का उन्होंने पहले सबसे पहले विश्वविद्यालय मद्रास, मुंबई और कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उससे उच्च न्यायालय की भी स्थापना होता 1861 ईस्वी में, तो उन अलग अलग संगठन स्थापित होने लगे थे। ठीक है, और देखिए जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और जमींदार, जो कि कुछ आंदोलन के संगठन के नेता थे अंग्रेज, तो कुछ के जमींदार थे, ये ऐसे आंदोलन के नेता हो चल गए थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल में कौन सा था, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एवं मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बंगाल में बंगाल इंडियन एसोसिएशन और मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, और मुंबई में मुंबई एसोसिएशन। अब देखिए 1867 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा कब हुआ है, 1867 ईस्वी की स्थापना में, जो कि एमजी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। इनके सदस्य मध्यवर्गीय समाज के लोग थे, यानी पुणे सार्वजनिक सभा में किस वर्ग के लोग ने भाग लिया था, तो मध्यवर्गीय लोग के भाग लिया था। और यह कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में, यह घटना कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। अब 1876 ईस्वी में यानी घटना का क्रम जानते हैं, तब आज जो नए वाले हैं उन पर आएंगे। ठीक है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किन के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा कोलकाता में स्थापना की गई थी। इसके सदस्य भी आम लोग थे जो कि पढ़े लिखे लोग थे। और 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था, 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था, जिसके अधिकांश सदस्य मध्यवर्ग के लोग थे, यानी मध्यवर्ग के लोगों ने भी अब इसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। और 1857 की क्रांति में किस वर्ग के लोग भाग नहीं लिए थे, तो मध्यवर्गीय लोगों ने भाग नहीं लिया था। और 1885 ईस्वी में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, मुंबई जिसे प्रेसिडेंट एसोसिएशन स्थापना के सदस्य भी मध्य लोग थे। ठीक है, मध्य लोग इसमें भाग अब खुलकर ले रहे थे। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं संगठन 1885 ईस्वी के एक महत्वपूर्ण संगठन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कब, 28 दिसंबर 1855 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर भी इसमें से एक पार्टी अलग हुआ है, जो कि जनसंघ के नाम से, जो कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हुआ था अलग। ठीक है, उन पर अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस जानते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1855
85 ईस्वी को ए ओ हुम किसके द्वारा, ए ओ हुम के द्वारा स्थापित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 बताएगा ए ओ हुम के द्वारा किया गया था। इसका पहला अधिवेशन यानी 1800 कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, जब स्थापना हुआ था उसी साल में पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। कहाँ हुआ था, बंबई में, जो कि यह गोकुल दास कॉलेज के हॉल में हुआ था। गोकुल दास एक कॉलेज है उसके हॉल में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन में जो इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डब्लू सी बनर्जी। कौन थे, डब्लू सी बनर्जी यानी ब्योमेश चंद बनर्जी। कौन थे, ब्योमेश चंद बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी जब प्रथम अध्यक्षता बुलाई गई थी इसके अध्यक्ष थे डब्लू सी बनर्जी, ब्योमेशचंद बनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधित्व थे। किस तरह से संविधान सभा का प्रथम बैठक बुलाया गया था, उसमें 300 389 सदस्य थे। और इसमें 392 और देशी स्तर के भी थे। और देखिए इसमें थे 72 प्रतिनिधित्व। और इसमें जानेंगे कि कांग्रेस का जिस स्थान पर अधिवेशन होता था वहां के स्थान के जो मतलब जिस स्थान पर अगर अधिवेशन पटना में होना है तो पटना के जो व्यक्ति है वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे, किसी दूसरे के यहाँ का बनेगा। और कोलकाता में अधिवेशन होने वाला है तो कोलकाता के जो नागरिक है वहाँ के अध्यक्ष नहीं बनेंगे किसी, अगर पटना वाला, उड़ीसा वाला, मुंबई वाला वहाँ पर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यानी जिस जगह पर अधिवेशन होगा उस जगह का अध्यक्षता वहाँ के मूल निवासी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष नहीं होते थे बल्कि दूसरे शहर के यानी व्यक्ति अध्यक्ष होते थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में, पहला 1885 ईस्वी में, दूसरा 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी निके था, यानी दादा भाई नौरोजी दुसारका अध्यक्ष थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय निकाला था 20 रुपये। कितना, 20 रुपया, 1868 ईस्वी में, ठीक है, 20 रुपया ज्ञात किए थे। और देखिए अधिवेशन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी बंगाल के रहने वाले थे, तभी इन्होंने कलकत्ता, और कलकत्ता के मूल निवासी थे बंगाल के थे, मतलब बंगाल तो एक बड़ा प्रांत थे, दूसरे जगह के होंगे, ठीक है। और कलकत्ता का तीसरा अधिवेशन जो था 1887, कब था, 1887 लगातार हो रहा था, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के भारत का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस में भारत का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बद्रुद्दीन तैयबजी। कौन थे, बद्रुद्दीन तैयबजी, जो कि किस कहां से बने थे, मद्रास अधिवेशन जो कि तिसारका था 1887 ईस्वी में, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बद्रुद्दीन तैयबजी। अब चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। प्रथम हुआ था हम लोग का मुंबई, सेकेंड हुआ था कलकत्ता, तीसरा का हुआ था मद्रास, और चौथा का हुआ है हम लोग का इलाहाबाद 1888 ईस्वी, जिसका अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज उल। यानी पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस में, तो जॉर्ज उल थे। कौन थे, जॉर्ज, ये याद रखिएगा, जॉर्ज उल। और वो कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी। कौन थे, बद्रुद्दीन तैयबजी, ये जॉर्ज उल थे, ठीक है, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। अब चलते हैं, और ये हो गया, अब प्रथम महिला पूछाता है ना, तो एनी बेसेंट हो जाती है। कौन, एनी बेसेंट हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं स्वदेशी आंदोलन। देखिए जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता, फिर रद्द कर दिया गया था लॉर्ड कार्जन के समय में, तो स्वदेशी आंदोलन में एक कांग्रेस ग्राम दल और एक नरम दल में बंटा था। ग्राम दल यानी अंग्रेज के खिलाफ डायरेक्ट हिंसात्मक व्यवहार अपनाना चाह रहे थे, वो हिंसात्मक अपना रहे, अपना हम भी हिंसात्मक अपनाएंगे। और जो एक नरम दल था वह अहिंसक रूप से आंदोलन करना चाहता था, क्योंकि यह लंबे दिनों तक चलता है अहिंसक रूप वाला आंदोलन। ये चाह रहे थे कि काय हम लोग बहुत दिनों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, हमें पूर्ण स्वराज तुरंत चाहिए, जैसे अमेरिका में हुआ था वो आंदोलन, जो कि बोस्टन की टी चाय पार्टी की घटना हुई थी। अब देखिए जो कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर 1907 ईस्वी में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था,
23वां अधिवेशन सूरत में उग्रवादी यानी गरम दल और उदारवादी यानी नरम दल दो दलों में बट गए थे, विभाजित हो गए थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। यानी पूछा जाता है कि 1907 ईस्वी में जो कि हम लोग का स्वदेशी आंदोलन था उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो राज बिहारी बोस। काफी इंपॉर्टेंट है, किसने किया था, राज बिहारी बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु जी है। कौन है, गुरु जी है, राज बिहारी बोस। ठीक है, अब चलते हैं जो नरम दल के नेता थे वह थे महात्मा गांधी, दादा भाई नरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी। और महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, गोखले जी थे, वो सब क्या थे, ये नरम दल थे। और गरम दल कौन थे, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बोल सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक या लाल बाल पाल बोल दीजिए। सबसे पहले लाल बाल पाल बोल दीजिए क्योंकि बिपिन चंद्र पाल आ जाएंगे, लाला लाजपत राय आ जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद आ जाएंगे, सभी ये सब इसमें थे, गरम दल के नेता थे। ठीक है, और लाल बाल पाल जो कि हम तीन वर्ड बोले इन पर थोड़ा जान लेते हैं। तो बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, यानी बंगाल से थे बिपिन चंद्र पाल, और पंजाब में थे लाला लाजपत राय, पंजाब से थे लाला लाजपत राय, जो कि गो बैक साइमन कमीशन जब भारत में साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया था तो इसका विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। इसका विद्रोह करने का प्रमुख कारण था कि जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, तो इन्होंने विद्रोह शुरू कर, इसका जो इनका शिष्य थे भगत सिंह इन्होंने भी इनका साथ दिया था, लेकिन जो कि क्या हुआ था कि गो बैक साइमन करके नारा करके जा रहे थे तो जो कि वहाँ का साइमन वाला था कमिश्नर वो उन पर लाठी चार्ज करवा दिया, तो लाठी के प्रहार से उनको काफ़ी सिर में चोट लग चुका था जो कि एक महीना बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उन्होंने ही एक नारा दिया था कि मेरे शरीर पर लाठी का प्रहार, एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के लिए कायम खड़ी कर देगी। एक दिन हकीकत में हुआ, भगत सिंह और उग्र हो चुके थे, अब आंदोलन करना और जोर कर दिए थे। ठीक है, तो वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों महान क्रांतिकारी थे जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और सुराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इस वाक्य का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इस वाक्य का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। और बंग भंग स्वदेशी आंदोलन जो कि आप लोग का टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त, कौन सा, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहाँ, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस समय अंग्रेज के जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन था, और बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या किया गया था, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस आंदोलन में वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने गीत लिखे हैं, तो वंदे मातरम के नारा लगा था। ठीक है, विभाजन नहीं चाहिए, यानी बंग भंग आंदोलन में कौन कौन से नारे लगे थे ये पूछा जाए तो वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब नारे लग रहे थे व्यक्ति को किसके लिए, जोश करने के लिए। जैसे झांसी की रानी कैसे अपने जनता को जोश हमेशा मोटिवेट करने के लिए कौन सा नारा देती थी कि हम किसी का गुलाम नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, नारा दे रही थी ना, तो इसी तरह से यहाँ भी नारा चल रहा था, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे कि बंगाल में क्या है, मुस्लिम सबसे अधिक ज्यादा है, तो वो सोच रहे थे कि फूट डालो राज को रोकने की से, तो मुस्लिम को भी भड़का दे रहे थे और हिंदू को भी भड़का दे रहे थे, तो मुस्लिम लीग यहाँ से अलग हो चुके हैं 1906 ईस्वी में, जिसकी स्थापना आगा खान और सलीम उल्ला खान, जिसकी स्थापना आगा खान एवं सलीम उल्ला खान ने किया था। और हिंदू महासभा की स्थापना 1915, कब, 1915 हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय,
किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। हमने यहाँ तक जाना कि मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। अब खुदीराम बोस के जान लेते हैं, थोड़ा गर्म दल के नेता है और सबसे छोटी उम्र के क्रांतिकारी, और लड़की में तो रानी गेंडालो जो कि 13 वर्ष की थी, ठीक है, और झेनू और इनके बारे में जान लेते, ठीक है। और देखिए खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस और उनके साथी जो प्रफुल्ल चाकी हैं, तो खुदीराम बोस के जो गुरुजी थे उनको बता रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं कि जहाज किंग्सफोर्ड पर गाड़ी पर बम फेंकने का प्लानिंग चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि तुम खुदीराम बोस तुम अकेले इस काम कर लोगे, तो प्रफुल्ल चाकी भी कहते हैं कि मैं भी इनका साथ दूंगा। और वह उस रणनीति के अनुसार बम लेकर जाते हैं कहाँ? मुजफ्फरपुर, जो कि बम जहाज किंग्सफोर्ड पर गाड़ी पर बम फेंकना था। तो ये बम फेंकते हैं और 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दे। किस तारीख को? तो 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिए गए थे। उसमें वो मात्र 14 वर्ष के थे, लेकिन किंग्सफोर्ड की जगह केनेडी, किसकी? केनेडी की बेटी जो कि प्रिंगल मारी गई। केनेडी की जो बेटी थी प्रिंगल, नाम क्या था? प्रिंगल, वह मारी गई। और प्रफुल्ल चाकू जो काफी घबरा चुका था, वो एक चाकू रखा था और वो अपने आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। और खुदीराम बोस उसी रात को भागते हुए बेनी रेलवे स्टेशन, किस रेलवे स्टेशन? बेनी रेलवे स्टेशन, जो कि मुजफ्फरपुर पहुंचे। कुछ लोग इस घटना का चर्चा कर रहे थे कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर कौन सा व्यक्ति है जिसने बम फेंक दिया, जिसके कारण जो कि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है, ये सब चर्चा चल रहा था। तो वो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर काफ़ी दौड़ते हुए आए थे, हाफ रात उस रात के बाद था। तो कुछ लोगों द्वारा इस घटना की चर्चा की जा रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े कि क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? अचानक बोल पड़े। इसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को 30 अप्रैल को बम फेंके हैं, और 11 अगस्त 1908 को क्या कर दिया गया था? इन्हें फांसी दे दी गई। उस समय खुदीराम बोस की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष की थी। बुझे कितने नए युवक थे, ठीक है। अब चलते हैं सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। तो दो धर्मों के बीच लड़ाई को क्या कहते हैं? संप्रदाय, यानी संप्रदाय, आपस में संप्रदायों को लड़ा देना, आपस में संप्रदायों को गिरा देना, पेच कर देना, ठीक है। या किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल, ठीक है। अब चलते हैं गांधी जी, जो कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका अब्दुल शेठ नामक, क्या कहते हैं, अब्दुल शेठ नामक जो व्यक्ति था उसके मुकदमे के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने सत्याग्रह का वहाँ सफल प्रयोग किया था और फिर रिटर्न किए थे कब? 1915 में। और भारत को जब रिटर्न किए थे तो उन्होंने भारत में केसरे ए हिंद, किसकी उपाधि? केसरे ए हिंद की उपाधि उन्हें मिला, और केसरे हिंद की उपाधि से उन्हें स्वागत किया गया। और देखिए इन्होंने साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, जो गुजरात में है, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है गुजरात में है, 1916 में महात्मा गांधी ने किया। और गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, इसलिए गांधी जी का हथियार सत्याग्रह को माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का हथियार किसे माना जाता है, तो सत्याग्रह को माना जाता है। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में जो कि रामकृष्ण शुक्ल थे, उन्होंने ही इनको बुलाया था लखनऊ समझौता के तहत से कि भारत में चले नील दर्पण जो खेती हो रहा था, तीन कट्ठे व्यवस्था काफ़ी बड़बड़ स्थिति में, काफ़ी किसान दयनीय स्थिति में ये आए, हकीकत देखे वाकई में खराब स्थिति में थे। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, फिर खेरा आंदोलन किया, ये सब घटनाएं इन्होंने किया। और राजकुमार जो शुक्ल थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने चंपारण में सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया जिससे तीन कट्ठे पद्धति को समाप्त हुई। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को, उस समय भारत का अध्यक्ष पूछा जाए तो जे बी कृपलानी। भारत के अध्यक्ष उस समय कौन थे? जे बी कृपलानी।
भारत के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और रॉलेट सत्याग्रह जान लेते हैं। तो रॉलेट का शुरुआत 19 मार्च 1919 को रॉलेट का शुरुआत 19 मार्च 1919 में हुआ, जिसमें संदेह के आधार पर, देखिए रॉलेट एक ऐसा कानून है जिसमें संदेह के आधार पर, आप पर संदेह है कि आप वहां पर हमला करने वाले हैं, आप अदालत में बम फेंकने वाले हैं, तो आपको संदेह के आधार पर ही गिरफ्तारी कर ली जाती थी। और इसमें बिना वकील, बिना दलील और बिना तीन वाक्य था, बिना वकील, बिना दलील, यानी आप वकील नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा इसमें बात की गई थी। और इसमें देखिए जो इसके खिलाफ में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और रॉलेट यानी खिलाफत और खिलाफत आंदोलन जान लेते हैं और असहयोग आंदोलन, तब इस पर चर्चा और करेंगे, ठीक है। देखिए खिलाफत आंदोलन पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पराजय के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1918, जिसमें भारत में भी, भारत को भी अंग्रेजों ने बिना पूछे ही शामिल कर लिया था और गांधी जी भी उसमें सहयोग दे रहे थे। वो बोल रहे थे, यानी इतना अहिंसात्मक थे कि बोल रहे थे कि कोई देश अगर मुसीबत में पड़ा हो तो उसको उसको और मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में पड़ा था उसी समय भारत उग्र हो गया होता, पूरा आंदोलन तेज कर दिया होता, तो उसी समय भारत जीत जाता, जो कि खुदीराम बोस और जो सॉरी जो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब चाह रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं चाहे, तो अंग्रेजों ने शासन किए और बहुत दिनों तक शासन किए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से गांधी जी कभी मानसिकता में और वृद्धि आई, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा पद को 1924 ईस्वी में हटा लिया गया था, जो खलीफा पद जो कि मुसलमानों का एक पैगंबर का उत्तराधिकारी होते हैं, तो उनको हटा लिया गया था, वो लोग तो अपने को पैगंबर मानते हैं, तो 1924 ईस्वी में हटा लेगा। उस समय तुर्की के खलीफा जो थे मुस्तफा कमाल पाशा, कौन था, मुस्तफा कमाल पाशा था, खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया, जो कि 19 अक्टूबर 1918 ईस्वी को मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिसे अली बंधु के भी नाम से जानते हैं। 19 अक्टूबर 1918 ईस्वी को भारत में 1920 ईस्वी को शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, भारत में 1920 ईस्वी को शुरू हुआ है। और गांधी जी ने दो प्रमुख घटनाएं के बारे में असहयोग आंदोलन चलाया, उन्होंने दोनों आंदोलनों का, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, और उन्होंने इसमें देखा, इसे 1857 क्रांति उसमें हिंदू मुस्लिम की एकता थी, इसमें भी हिंदू मुस्लिम की एकता को देखता हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाना शुरू कर दिया था। और देखिए इसमें, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें क्या हुआ था कि उस कानून के विरोध में पंजाब के लोग वहाँ विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पे दो व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो जो वहाँ के लॉर्ड जनरल था, जनरल और डायर बिना चेतावनी के अंधाधुंध गोली चला देता था, और अपने फौजियों से यहाँ तक बोला था कि जब तक गोली चलाना तब तक कि तुम्हारे बंदूक की गोलियाँ खत्म ना हो जाए, बिना अलर्ट किए कि आप लोग सभा हटा दीजिए हम गोली चलाने वाले हैं। जब गोली चला दिया और चारों तरफ से तो घिरा हुआ एक दरवाजा था, और बहुत सारे लोग इनार में कूद कर मर गए और मृत्यु हो गई, जो लोग द्वार पर भी चढ़ रहे थे उनको भी गोली लग जा रही थी। इस तरह से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है, बहुत सारे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से उधम सिंह इस घटना को अपनी आंखों से देखे थे। उसके बाद से जनरल डाक इंग्लैंड में जाकर मारे हैं, नहीं छोड़े हैं, ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है ना, तो उन्होंने 13 अप्रैल 1940 ईस्वी को, शायद 1940 ईस्वी को ही मारे थे, यानी 13 अप्रैल का डेट हुआ था एकदम फिक्स, 13 अप्रैल को ही मारे थे उन्होंने भी, जाकर जनरल डाक दम उन्हीं के सभा में, जब सभा दे रहे थे इंग्लैंड में, तो बुझी ऐसी होती है दम साहस कि नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। ऐसी थी भारत में शासन की स्थापना और असहयोग आंदोलन का स्थापना 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरा चोरा कांड के, देखिए मतलब पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा, और यह आंदोलन समाप्त कब हो गया था, तो समाप्त होने का कारण यही था कि 6 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ कि जो आंदोलनकारी थे आंदोलन करते हुए जा रहे थे, तभी उन्होंने जो पुलिस था गोरखपुर का, वो पुलिस पर जो चोरा चोरा नाम का एक कांड था, यानी चोरा चोरा स्थान पर ये पुलिस थे, उन्होंने आंदोलनकारियों ने क्या किया कि देवरिया जिला में, जो वर्तमान देवरिया जिला में पड़ता है, कि
5 फरवरी 1922 ईस्वी को, अथवा 6 फरवरी को एक दिन बाद, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उसमें क्या किया कि उस जो कि चौचरा स्थान पर गोरखपुर जो कि देवरिया जिला पड़ता है, 22 सिपाही और एक दरोगा थे, यानी कुल 22 क्या थे पुलिसकर्मी थे, को जिंदा जला दिया गया, यानी पूरा पुलिस जो चौकी है उसमें आग लगा दिया गया। इस घटना को देखते हुए जो महात्मा गांधी जी ने सोचे कि ये कितना बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता है, वो तो अहिंसात्मक थे, तो उन्होंने अपना अशोक आंदोलन वापस ले लिया। और इसी में भगत सिंह ने बोले हैं कि हमने मात्र 22 पुलिसकर्मी को मारा तो इन्होंने गांधी जी महात्मा गांधी जी वापस ले लिए, थोड़ा सा वो गुस्साए भी थे, ठीक है इनसे इसी समय से। उसके बाद से क्या किया गया कि क्योंकि वो गुस्सा इसलिए थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में उसने 11,000 को मारा, 1100 बहुत सारे व्यक्तियों को मारा हजारों में, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ हम लोगों ने 22 जो उग्र हम लोग का आंदोलनकारी है 22 पुलिसकर्मी को मारा था, अपने आंदोलन वापस ले लिया। ये आंदोलन जारी रहता था, इसी समय अंग्रेज बाहर होने वाले थे, क्योंकि अशोक आंदोलन में सभी जो विद्यार्थी थे स्टूडेंट थे अपना पढ़ाई से लेकर अदालत से लेकर जो वकील थे अदालत छोड़ दिए थे, जो स्टूडेंट थे सरकारी कॉलेज छोड़ दिए थे, सब कोई ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था सिर्फ आजादी पाने के लिए। आपने सिर्फ एक घटना के इसके चलते आपने एक बड़ा आंदोलन ले लिया वापस, ये भगत सिंह ने बोल रहे थे, ठीक है। अब चलते हैं मजहरुल हक के बारे में थोड़ा जानने के लिए। देखिए मजहरुल हक, इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए आंदोलन किया था, और जो कि इनका एक अखबार है मदरलैंड, मदरलैंड नामक अखबार, मतलब मजहरुल हक का एक अखबार है मदरलैंड अखबार है, जो कि सदाकत आश्रम से निकाला जाता था। किस आश्रम से? सदाकत आश्रम से, यानी महात्मा गांधी जी के पास ये हमेशा रहते थे। और राष्ट्रवादी अहार आंदोलन के हक में इन्होंने आरंभ किया था आंदोलन में, यानी असहयोग आंदोलन में महिलाओं की विभागदोरी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के थी, ठीक है। और झंडा सत्याग्रह पर जाने थे, किस पर? झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को शुरू हुआ, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया, यानी जैसे आजादी फौज का झंडा चल रहा था तो लाल उस पर धारती हुए ऐसा ऐसा झंडा चल रहा था, तो उन्होंने झंडा लेकर आंदोलन चलने के लिए रोक लगा दिया था। कब? 13 अप्रैल 1923 ईस्वी को। यह आंदोलन 109 दिनों तक चला और 1560 सत्याग्रहियों की सजाएं सुनाई गई थी, ठीक है। स्वराज पार्टी की जानते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, किनके द्वारा? चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से जानता है, और मोतीलाल नेहरू, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किन किन के द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को और किस नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु। किस नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु, जो कि फरवरी 1923 ईस्वी में किए थे, यानी झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में हुआ है, और बोल सकते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में ही हुआ है। और 1924 यानी ईस्वी एक साल के बाद 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल, कौन? सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया है। पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सचिंद्र सन्याल द्वारा कब? 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन, यानी जो सचिन सन्याल चला रहे थे उसी को सिर्फ ये अपना संगठन अब स्थापित कर चुके हैं, यानी 1928 ईस्वी में। ये 1924 ईस्वी में सचिन सन्याल चला रहे थे, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये अपना खाली नाम बदल दिए हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट, क्या कर दिए हैं? सोशलिस्ट यानी समाजी कर दिए हैं, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन इन्होंने किया है 1928 ईस्वी में। और पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण हमें स्वराज की मांग चाहिए, जो कि हम शुरू में बताए थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी तट के किनारे किया गया था, और फिर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी की याद में 26 जनवरी संविधान लागू हुआ था, अन्यथा हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार हो चुका था, जो कि 2 वर्ष 11 माह 8 दिन लगे थे, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान बनना शुरू हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम लोग चलते हैं
इसके इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें महात्मा गांधी जो कि स्वागत किले से प्रदेश में भारत आए थे उनको केसरे हिंद किसकी उपाधि केसरे हिंद की उपाधि मिली थी और तो उन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी ये भी उपाधि त्याग दिए और जमनालाल बजाज जो कि राय बहादुर की उपाधि मिली थी ये भी त्याग दिए। क्या होता है कि जो अपने परिवार या अपने देश के लिए आंदोलन होता है तो अदर जो कंट्री वाले होते हैं या देश वाले होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है इन प्रमुख व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते हैं जब उनकी बात नहीं माना जाता है वो उनके ही लोगों पर अत्याचार ढाया जा रहा होता है तो काहे के लिए आप सम्मान दे रहे हैं ये लोग अपना सम्मान जो सम्मानित किए ऐसा कर दिया जाता है जो कि किसान आंदोलन में भी हुआ है। ठीक है बजरा पुनिया जी ने किए हैं। और देखिए लाला राजपथ पर लाठी चार्ज करने वाले अंग्रेज अफसर सैंडर्स थे। कौन थे अंग्रेज अफसर सैंडर्स जो हम कावात को बताए थे हत्या लाठी चार्ज वह थे सैंडर्स और गांधी इरविन समझौता 1931 में और पुणे समझौता जो कि गांधी अमेरिका जी के बीच हुआ था 1932 में याद रखना है और जो कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो नमक सत्याग्रह था उसके लिए तो उसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि दिल्ली समझौता के नाम से किस समझौता को जाना जाता है तो गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता कब हुआ था तो 1931 ईस्वी। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट कि 23 मार्च 1931 ईस्वी में सैंडर्स पर बम फेंकने के कारण सैंडर्स पर जो कि सैंडर्स क्या था लाला राजपत को मारा था तो भगत सिंह के गुरु जी थे तो उन्होंने उग्र हुए थे तो सैंडर्स पर बम फेंकने के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई जो कि फांसी की घोषणा 24 मार्च 1931 को की गई थी। किस तरह से कि मंगल पांडे की फांसी की सजा 1857 की गई थी लेकिन फांसी दे दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को 10 दिन पहले ही इसमें एक दिन पहले ही और रिजो ने एक दिन पहले इसे दे दिया देखा कि पंजाब के लोग काफ़ी उग्र हैं भारत के लोग काफ़ी उग्र हैं अगर हम डेट नहीं दे रहे हैं तो चारों तरफ से घेरे जाएगा हम पर ही हमला हो सकता है भयंकर रूप ले सकता है इसलिए एक दिन पहले ही इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये फांसी की सजा हंसते हंसते चुमते हुए ले लिए और इनकलाब जिंदाबाद की नारा लिया गया क्योंकि इन्हें आखिरी इच्छा पूछा गया तीनों ने अपना आखिरी इच्छा बताया कि हम तीनों दोस्त एक साथ गले मिलना चाहते हैं और गले मिले और एक साथ नारा बोला इनकलाब जिंदाबाद जिसका अर्थ होता है क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद उर्दू शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है सच्ची बगावत की जय हो। क्या होता है सच्ची बगावत की जय हो यानी क्रांति अमर है। क्या रहे क्रांति अमर है यानी क्रांति लाना चाहते थे क्योंकि इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया था सूर्य में। जब आप अच्छे काम कीजिएगा ना तो आपको सूर्य में बहुत ताना मिलेगा लेकिन आपको हमेशा हिम्मत के साथ लड़ना होता है। ठीक है और देखिए जो कि आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 ईस्वी में कब 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में की थी। अब आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सरकार कहा जाए आजाद हिंद फौज कहा जाए तो 1942 और आजाद हिंद सरकार तो सुभाष चंद्र बोस जापान में जो कि जापान के सेना की सहायता से किए थे इन्हीं के बता रहे हैं कि जो दहाड़ते हुए शेर था इन्हीं के झंडा पर था और सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा और जय हिंद का नारा भी दिए थे क्योंकि ये खुद फौज है। इससे स्लोक रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था जो कैबिनेट मिशन आया है उसकी स्थापना 1946 किसका कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ है। आशा करते हैं कि आपने अध्याय 12 को विस्तार पूर्वक समझा। अब हम लोग चलते हैं अध्याय 13 पर। देखिए लास्ट चैप्टर इस चैप्टर का नाम है हम लोग का स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिला था। ठीक है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत क्या हुआ था स्वतंत्र हो चुका था और महिला को सर्वप्रथम देखिए जब भारत क्या है गणतंत्र राज्य है यहाँ पर सभी लोग मत देने का अधिकार रखते हैं। अब्राहम लिंकन के परिभाषा के अनुसार प्रजातंत्र और प्रथम प्रजातंत्र लागू करने वाला अमेरिका था और लिखित संविधान अमेरिका था और जो मौलिक अधिकार है वो देने वाला अमेरिका ही था लेकिन मौलिक अधिकार किसे ले गया भारत के संविधान में तो अमेरिका देश से ले गया और प्रथम जो मत देने का अधिकार मिला था वो न्यूजीलैंड देश को मिला था। ठीक है कब 1800
93 ईस्वी में, और जो कि महिला को सर्वप्रथम मिला था वह इंग्लैंड देश को मिला था। और भारत में नागरिक को मत देने का अधिकार, जो गणतंत्र भारत, क्योंकि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के शासन अब्राहम लिंकन द्वारा परिभाषा है प्रजातंत्र की, उसमें जो मत देने का अधिकार है हम लोग को भारत का, वह 1950 ईस्वी में मिला था। यहाँ तक आपने जाना हम मतदान किसे कहते हैं, तो एक निश्चित उम्र में दिए जाने वाले मत है, नागरिक को चुनाव करने वाले विषय, नेता को चुनाव करने के लिए दिए जाने वाले मत को निश्चित आयु होना जरूरी होता है, उसे मतगणना कहा जाता है। और देखिए 21 वर्ष से 18 वर्ष, जैसे अब हो चुका है 18 वर्ष, 21 वर्ष से पहले शुरू में कितना था कि जो 21 वर्ष के जो व्यक्ति है वही क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन 21 वर्ष से 18 वर्ष, यानी 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया वोट देने का अधिकार, 1989 में हम लोग का 21 वर्ष शुरू में था, फिर 18 वर्ष कब कर दिया गया था, 1989 में कर दिया गया था। ठीक है, ये वाला बात इंपॉर्टेंट है। और भारत किसी भी देश को अगर आजादी मिल जाती है, अंग्रेज दोहरी शोषण को खंडहर कर देता, इसके बाद से भारत में आजादी मिल गई, सभी भारतीय नौ संसार से सांस लेने लगे और सिर उठाकर यही वितरण करने लगे कि जाने मेरे उन धरती पुत्रों को जिन्होंने अपने प्राण का भेंट देकर हमें नया जीवन दिया। इसी पर एक शेर याद आता है कि हर जमीन पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर, हर जमीन पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा ए मेरे दोस्त, तुम अपना एक इतिहास पैदा कर। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब जो हम लोग के ग्राम दल नरम दल थे उन्हीं के सहयोग से हम लोग का भारत आजाद हो चुका था, लेकिन किसी भी देश को सुचारू चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, यही संविधान बनाना है। देखिए संविधान, जो कि संविधान बनाने की प्रक्रिया हमने जाना था 9 दिसंबर, बनाने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो अभी हम बताए थे कि कब काहे लागू हुआ था, जो कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, दिवस मनाया गया था इसके कारण। और ये कितने वर्ष में बन के तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये जो आप निकालिएगा यहाँ से घटाकर, यानी इसमें से 26 नवंबर बोला है तो यानी 11 और 1949 इस से निकलता है, 1949 11 26 यहाँ पे निकलता है हम लोग का 9 दिसंबर 9 12 1946। जब निकालते हैं तो इधर में से घटाते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाता है हम लोग का 17, कितना आता है 17, और यहाँ पे आ जाता है हम लोग का, फिर इसमें जोड़ते हैं 12, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 11 और यहाँ पे आ जाता है 2, घटाने के बाद देखिए इससे घटाया जाता है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। लेकिन 1946 लीप वर्ष होने के कारण फरवरी 1 जुटेगा तो 18 दिन हो जाता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमने निकाल कर भी आपको दिखाया। और देखिए जो कि संविधान बनाने की शुरुआत होता, उसके जो प्रस्ताव पारित होते हैं उस प्रस्ताव के आधार पर ही पारित होता, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव, जिसे प्रस्ताव बोलते हैं या कुंजी बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं, जिसकी शुरुआत होता है कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और सक्षमता प्राप्त करने वाली बलता को बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 बिकानी को एतद् द्वारा अभिकृत अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। पारित हुआ था आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसे कुंजी या उद्देश्य करते हैं। देखिए जिस तरह से हमको याद है आप लोग आशा कीजिएगा कि याद कीजिएगा, और मिस्टेक हो गया हो तो माफ कीजिएगा। ठीक है, देखिए संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो होता है हम लोग का कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे, ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहले दिन, और उनको अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और संविधान सभा में 3 सूचियां हैं, जो कि समवर्ती सूची, केंद्र सूची एवं राज्य सूची है। कौन कौन से है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची एवं राज सूची है। अब देखिए जो कि इसको एक जगह बनाना था तो देश, जो देशी रियासत थी वह 500 से ज़्यादा थी, कितना थी 500 से ज़्यादा थी। जब भारत विभाजन हो रहा था तो उस समय कश्मीर का राजा जो था हरि सिंह, कौन था हरि सिंह, हरि सिंह जो था वह हरि सिंह अपना राज न तो पाकिस्तान से मिलाना चाहता था न हिंदुस्तान से मिलाना चाहता था, ये सब देशी रियासत थे। लेकिन
मिलाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि जब इस पर हमला हुआ था चीन सैनिकों द्वारा, तो इन्होंने भारतीय सैनिकों से साथ लिया था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और विलय पद पर हस्ताक्षर कर लिया था और हिंदुस्तान का हो चुका था। और दूसरा था जूनागढ़, कौन था जूनागढ़, ये पूछता है कि जूनागढ़ जो देशी रियासत था यह किसके, मतलब पूछ सकता है कि जूनागढ़ द्वारा इस पर आक्रमण हुआ था, जूनागढ़ किस तरह से मिलाया गया था, तो पुलिस जनमत संग्रह द्वारा, किसके द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया था, और हैदराबाद को तो पुलिस करवाई द्वारा, हैदराबाद को तो पुलिस करवाई द्वारा, तीनों देशों के असद को याद रखिएगा। और देखिए कश्मीर को विलय पद पर हस्ताक्षर कर भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत, जूनागढ़ को जनमत कर, जनमत कर के द्वारा, जनमत यानी जनता के अनुसार जो जिधर जाना चाहते हैं उधर, ठीक है, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारतीय विभाजन के समय में कश्मीर में अधिकांश जो कश्मीर में थे अधिकांश तो मुस्लिम समुदाय, और जूनागढ़ में भी मुस्लिम समुदाय, और हैदराबाद में हिंदू समुदाय के लोग थे। अगर समुदाय से बांटा जाता तो मुस्लिम जो कश्मीर था वो ऑलरेडी पाकिस्तान में चला गया होता, लेकिन उन्होंने विलय पद पर हस्ताक्षर किया है और जूनागढ़ को मत के अनुसार बांटा गया है, ठीक है। अब चलते हैं जो समर्थित सूची है को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर पूछा जाए कि जो सूचियाँ कितनी है, तीन है, तो जो समर्थित सूची है वो किसके संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और देखिए जो शुरू में की क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये आना भी चाहिए कि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, जो कि हमने पिछले में भी चर्चा किया था कि स्वतंत्रता संग्राम के जमाने में रावी तट के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1949 ईस्वी को देश के नेताओं ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कराने का संकल्प लिया, और इसके अगले वर्ष प्रत्येक 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, और जबकि वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। तो आप लोग इसको बता सकते हैं। और डॉक्टर जो कि भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान सभा के बोल सकते हैं कि निर्माता, भारतीय संविधान सभा के निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, बाबा साहब के जिन्हें नाम से भी जानते हैं। तो ये पारूप समिति के अध्यक्ष थे, इनका जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, और कांग्रेस के अध्यक्ष ये बंगाल के प्रांत से बने थे, ठीक है, यह पता होना चाहिए, जो कि 10 लाख व्यक्ति पे एक सदस्य को चुना जाता था। आप देखिए तीनों सूचियां में जो केंद्र सूची है वह काफी ही प्रभावशाली एवं मजबूत है, और टीवी कृष्णाचारी, कौन, टीवी कृष्णाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी जाए तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी बताया जा रहा था तो उससे भारत में आंदोलन होने लगे, तो इसलिए तो हिंदी अंग्रेजी दोनों रखा गया, क्योंकि दक्षिण भारत में अंग्रेजी के समर्थन था और उत्तरी भारत हिंदी के समर्थन था, तो बहुत ही उग्र आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ दिल्ली में, ये सब जो जंतर मंतर स्वाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था, तो ये सब को देखते हुए भाषाई आधार पर भी बहुत सारे राज्य का निर्माण हुआ था। तो भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य पहला था, देखिए जैसे भाषा मराठी था तो महाराष्ट्र, गुजरात तो गुजराती, तेलुगु तो आंध्र प्रदेश, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश, हिंदी तो हरियाणा, आज भी हिंदी सबसे अधिक शुद्ध कहाँ बोली जाती है, तो हरियाणा में बोली जाती है। पंजाबी के आधार पर पंजाब बना, और डोगरी के नाम पर जम्मू कश्मीर, डोगरी कहा जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। बंगला के नाम पर बंगला, बांग्लादेश सॉरी पश्चिम बंगाल, और कन्नड़ के नाम पर कन्नड़, भाषा के नाम पर कर्नाटक, और मलयालम के नाम पर तो केरल, उड़िया के नाम पर तो उड़ीसा। तो भाषा का आधार पर पूछा जाए कि सबसे पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश, सबसे पहला राज्य कौन था तो आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, जो आम चुनाव हो रहा है 1952 ईस्वी में, और मतगणना का अधिकार 1950 ईस्वी में ही मिल गया था, और सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग का अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। दोबारा सुनिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है। और देखिए जो 1960 ईस्वी में बंबई प्रांत ही मराठा भाषा में और गुजरात
गुजरात जो गुजराती भाषा थी गुजरात में इसी तरह से जो भी जिसकी भाषा थी उस भाषा के आधार पर राज्य का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। और 1966 ईस्वी में जो पंजाब से हरियाणा को और आगे चलकर मतलब बता सकते हैं कि 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हो गया, पंजाब से हरियाणा, जिसकी पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़, और हरियाणा की राजधानी भी कहाँ है, चंडीगढ़। ठीक है, इस तरह से दोनों की राजधानी तो वही है। और 2001 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से जो उत्तरी में है इधर से उत्तरांचल, इस तरह से इससे हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं, इस तरह से भारत का मानचित्र बनाते हैं। यहाँ पे उत्तरांचल, यहाँ से उत्तर प्रदेश, तो उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश को, सॉरी उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग किया गया था, तो 2001 ईस्वी में अलग किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, जो कि बीच वाला राज्य है, जो कि कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को, बिहार से झारखंड को, जो कि 2000, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को, जो कि 2 जून और 1914 ईस्वी को, 2 जून 1914 ईस्वी को, जिसका प्रथम मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, ये पूछता है। ठीक है, क्योंकि करंट में है, और करंट क्या बोले अब तो वो नया राज्य है इसलिए पूछा जाता है। ठीक है, और योजना आयोग, कौन सा योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को, कौन 15 मार्च 1950 ईस्वी को, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सॉरी, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, यानी पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल की अवधि की योजना होती है, जो कि उसमें एक या दो चीज़ों का निर्धारित किया जाता है, टारगेट बनाया जाता है उस चीज़ को विकास करने के लिए। ठीक है, तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका प्रधानता दी गई, तो कृषि की प्रधानता दी गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है। और दूसरा का पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 ईस्वी में चला था, इसमें औद्योगिक को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानता दी गई, पहलका में कृषि, दूसरा में औद्योगिक, ये पूछता है। ठीक है, और बड़े बड़े उद्योग की भी स्थापना हुए थे। अब देखिए, पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग का गठन हुआ था, अब पंचवर्षीय योजना की जगह पर नीति आयोग का गठन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं जो कि 26 नवंबर को पूछा जाए कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विधि दिवस, कौन सा दिवस, विधि दिवस, 26 नवंबर को विधि दिवस। और भारत को गुट निरपेक्ष देश भी कहा जाता है, भारत को कौन सा देश कहा जाता है, गुट निरपेक्ष देश भी कहा जाता है। और आपातकाल की घोषणा होता है, देखिए जैसे आपातकाल किसे बोलते हैं, तो नागरिकों को अधिकार स्थगित कर देता है इसमें आपातकाल की स्थिति में, और राष्ट्रपति ही इसे लागू करते हैं। ठीक है, 360 अनुच्छेद इसमें होता है। ठीक है, और भारत का स्वतंत्रता के समय पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका तथा समाजवादी का नेतृत्व रूस कर रहा था, यानी पूंजीवाद का नेतृत्व जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय पूंजीवाद और समाजवाद दो बढ़ रहा था, तो पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका और समाजवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था, रूस कर रहा था। और आपातकालीन की शुरुआत 25 जून 1975 ईस्वी को हुआ था। देखिए, आपातकाल जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, जो पंचवर्षीय योजना जानने हम लोग वो कहां से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अपना इससे जाना कि पूछा जाए कि आपातकाल जर्मनी के वाइमर संविधान से, और पंचवर्षीय योजना तो रूस से लिया गया है। और आपातकाल की शुरुआत हम जान चुके हैं कि 25 जून 1975 ईस्वी को, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, अब हम चलते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में जानने के लिए। तो आपातकाल के विद्रोह में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया, ये पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति के जनक कहा जाता है, यानी पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण, जो कि क्रांति की शुरुआत यानी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से किए हैं, कहाँ से, पटना के गांधी मैदान से किए हैं। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में भाग नहीं लिया, इन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति वैचारिक अथवा बौद्धिक शैक्षणिक आध्यात्मिक क्रांतियों में सम्मिलित लिया, कई दलों को मिलाकर मुरारजी देसाई जो थे एक अलग ही पार्टी बनाए थे। अब हम लोग चलते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट तीन क्वेश्चन है, एक कि पोखरण 1 यानी प्रथम परमाणु परीक्षण किसके समय में किया गया था, तो इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, वह कब किया गया था, तो 18 मई 1774, ये पूछता है 18 मई 1774। और दूसरा पोखरण 2 यानी दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो वह किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में, यानी देख लीजिए पोखरण
पोखरण प्रथम पूछा जाए, पोखरण प्रथम पूछा जाए तो बताइएगा 18 मई 1974 ईस्वी में, पोखरण प्रथम 18 मई 1974। और दूसरा का पूछा जाए पोखरण टू तो बताइएगा 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें इंदिरा गांधी जी ने, दो व्यक्ति हैं जो कि दो परमाणु परीक्षण हुआ है। और हाइड्रोजन बम का परीक्षण तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय में हुआ था, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और इंदिरा गांधी जी है जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, जो इंदिरा गांधी जी है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, आप जान सकते हैं। और इंदिरा गांधी के बेटा का नाम क्या था तो राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी के बेटा का नाम क्या था तो राजीव गांधी था। और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, कब 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इनका जो हत्या हुआ था, जो कि इनका बॉडीगार्ड थे कौन, सतवान सिंह और बेअंत सिंह, इन्होंने सतवान सिंह और बेअंत सिंह गोलियों से बौछार कर दिया, जानते हैं गोलू सिंह को बौछार कर देता। इस बौछार का जितने भी सिख धर्म के थे उन्होंने भी मांझा प्रवास पुस्तक के जैसा हो गया जो लिखा गया है, उन्होंने भी अपना सिख जो कि जाट वोट था, जो कि पांच रख सकते हैं, कंकाल रख सकते हैं, तलवार रख सकते हैं, जाट रख सकते हैं, केस रख सकते हैं, ये सब छिदवाने लगे थे ताकि कोई ना पहचाने कि हम सिख धर्म के लोग हैं, ठीक है। वो अपना दाढ़ी मूछ सब भाई छिड़वाने लगे क्योंकि पूरा देश में आंदोलन चल रहा था, जो भी जहाँ भी सिख दिखाई दे रहे थे उन्हें मार दिया जा रहा था, ऐसी क्रूरता व्यवहार आ चुका था जो कि हम समझ सकते हैं कि कैसी घटना हो सकती है, आप लोग समझ सकते हैं। और असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में इसकी रिप्लाई दीजिएगा कि आप कहां तक सहमत थे। और जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड था इसमें कानून में था कि न कानून न दलील न अपील, यानी संदेह का आधार पकड़ा जाता था तो ना तो आप अपील कर सकते हैं, न दलील कर सकते हैं, न कोई कानून था, न कोई अदालत था, जो कि सैफुद्दीन किचूर और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था इसी के आंदोलन में जो कि सभा हो रहा था, इस पर जनरल डायर गोली चलाया था। आशा करते हैं कि आपने लेसन 1 से लेकर 13 तक को विस्तार से पढ़ा होगा। और ये मास्टर वीडियो को आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा, मेरा यूट्यूब परिवार जो है पूरा प्रयास समर्थन देगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके जीवन में हमेशा नॉलेज के ज्ञान भरता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए।